उसका कुछ नहीं होता है, लॉटरी लग गई, पार्टी करो, खाओ। थोड़ी टच फूड मिल रही है और फिर मैं उठा भी लेती। अगर किसी को बताया तो पार्टी देनी पड़ेगी, इसलिए खुद खाओ और भूल जाओ, मिलने बंद हो जाएंगे, भूल जाओ, खाओ उड़ाओ, इट इज योर्स। कभी कभी धन हमें अपने आप मिल जाता है और कभी कभी किसी के द्वारा। ये सोचना बहुत गलत है कि हमें कोई धन दे रहा है, वो होता हमारे नसीब का ही है। कभी मामा चाचा देता है, कभी भाई भतीजा, पर वो हमारे नसीब का ही होता है। ये सोचना बिल्कुल बेकार है कि मैं किसी का एहसान ले रहा हूँ या ले रही हूँ, वो हमारे नसीब का ही होता है। सड़क पर पड़ा धन भी मिलता है, धरती में खजाना भरा पड़ा है खनिजों का, हम पल पोसी धरती से नहीं है, धरती ही हमें तेल पानी सब कुछ देती है, अदरवाइज हम सर्वाइव कैसे करते। हम मनुष्य के तौर पर बने हैं तो हमारे अंदर तीन तत्व ईश्वर ने मुख्य तौर पर दिए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण हमें देते हैं स्टेबिलिटी, मौज मस्ती और नेगेटिविटी। ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपने भेद अनुसार इन दोनों को प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई भी चेंज कर सकता है, इट डजंट मेक डिफरेंस। मुख्य हमारा कार्य है तमस, इलेक्ट्रॉन। हमारा शरीर एटॉमिक प्रक्रिया से बना है, पूरा ब्रह्मांड एटॉमिक प्रक्रिया से बना है। एटॉमिक मास पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 4% है, एटॉमिक एनर्जी जिसे कहते हैं। हमारे शरीर में मात्र 4% ही फायर तत्व है, बाकी सारा डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, ये डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। मकसद कहने का है कि हम सब जो बने हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, हमारी पूरी बॉडी में 99.9998×9% जगह खाली है, वहां कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं के बारे में पहले बात कर चुके हैं, कुछ नहीं में सब कुछ होता है। ये खास किस्म की एनर्जी होती है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। इसके बारे में अभी शोध चल रहा है, हम धरती पर अभी जिस डायमेंशन में हैं उसमें हम अभी जान नहीं पा रहे कि डार्क एनर्जी कैसे काम करती है और उसमें होता क्या है। इस डार्क एनर्जी में खालीपन है और इस खालीपन में इलेक्ट्रॉन नाचता है। इलेक्ट्रॉन की एक खासियत है, अगर उसकी फोटोग्राफ ली जाए तो जहां फोटो ली जाती है वो उस समय जहां होता है, फोटो के टाइम वो कहीं और होता है, यानी कि इसकी स्थिरता नहीं है, इतना जबरदस्त तरीके से वाइब्रेट करता है। हम सब वाइब्रेट करते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, सांस लेते हैं, आंख एकटक देखेंगे तो आप पढ़ नहीं सकते, आपको हिलानी पड़ेंगी, फेफड़े हिलाने पड़ेंगे, पेट हिलता है भोजन के लिए, दिमाग हिलता है, हम सब में वाइब्रेशन है, हम सब वाइब्रेशनल बॉडीज हैं। ये जो वाइब्रेशनल बॉडी है हमारी, ये वाइब्रेट करती है इलेक्ट्रॉन की वजह से और इसकी बैलेंसिंग करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत मोटे तौर पे बात है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं माइनस, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, जीरो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन जीरो होता है। माइनस मींस नहीं। हमारे पूरे शरीर में जब एक एटम की देखी जाए स्थिति, तो एटम में यहां न्यूक्लियस होता है और यहां इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है गोल गोल गोल, एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसमें गोल गोल नाचता रहता है। इस इलेक्ट्रॉन की खासियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहरी सतह बनाता है हमारी। सोचिए हम 99% खाली हैं तो बचे कुछ 0.0001% में हमें सॉलिडिटी का एहसास, यानी सॉलिड, यह एहसास कौन दे रहा है? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मेरे उंगली का इलेक्ट्रॉन बोर्ड के इलेक्ट्रॉन से इस समय टकरा रहा है, इसमें इतनी जबरदस्त तमस है और मुझ में इतनी तमस है कि टकरा करके आर पार नहीं जा पा रहे, यानी हमें ठोस आधार देता है। लोहे में इलेक्ट्रॉन इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो दूसरी चीज से टकराते हैं तो ज्यादा वजन पड़ता है, उनके इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्टिफ, पक्के, ढीठ आदमी होता है ना, लोहे की तरह होता है, बहुत मुश्किल से टूटता है, बल्कि वो जिससे लड़ बैठता है या समझाने बैठता है वो उसकी बात समझ जाता है। तो लोहे पे लोहे का जब हथौड़ा पड़ता है तो बहुत भारी चोट मारनी पड़ती है, यानी दो ढीठ मिलते हैं तो बहुत पिटाई होती है। सोने पे हथौड़ा मारते हैं लोहे की हथौड़ी से तो ठुक ठुक धीरे धीरे धीरे, यही स्त्री और पुरुष का सम्मेलन है, एक प्रेम से चलता है, एक शायद कम प्रेम से या झगड़े से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की लड़ाई, जब दो लोगों में प्रोटॉन मिल जाता है तो प्रेम हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, ये बार बार कहता है बाहर हूं मैं, बाहर हूं, गोल गोल घूम रहा हूं, यहां घूमता है, यहां प्रेम मिल जाता है
यहां शांति मिल जाती है, यहां प्रेम मिल जाता है, यहां झगड़ा मिल जाता है। अब हमारे शरीर में कौन सी वाली थॉट हमने बढ़ाई है उस अनुसार हमारा शरीर वाइब्रेट करता है। एक व्यक्ति ने नया घर खरीदा, जब उसने नया घर खरीदा तो उसको घर खरीदते ही चिंता पड़ गई, घर में कैमरेज लगवा लेता हूं, लोहे का गेट लगवा लेता हूं, जाली ग्रिल मजबूत करा लेता हूं, टीक वुड के दरवाजे। तो पत्नी ने बोला क्या इतनी टेंशन मचा रखी। बोले नहीं नहीं घर की सेफ्टी की चिंता है मुझे, घर सेफ होना चाहिए। एक महीना बीता, दो महीने बीते, चार महीने बाद भी वो यही बात करे, मुझे लगता है इस साइड से कोई चोर तो नहीं आ जाएगा, कहीं उधर से कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी, घर में यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए। लगातार यही चीज बबल हो रही है, लगातार थॉट, एक दो तीन चार छह महीने तक यही थॉट चले जा रहा है। तो इतने महीनों की चिंता में लगातार ऐसा करते 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 उसके इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार चार्ज हो गए कि बड़ी घबराहट के साथ वाइब्रेट करने लगे। सोचिए उसके मन की तमस चिंता लगातार टेंशन में इस प्रकार की वाइब्रेशनल बॉडी उसे बना रही कि घबराहट 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 घबराहट। शादी होती है नई नई लड़की की, मेरी सास पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं, हाय हाय डरी हुई है, परेशान है, पता नहीं मेरे पड़ोसी कैसे निकलेंगे। जब ये लगातार कई महीने चला तो छह महीने के बाद उसके बंदे के घर में आग भी लग गई और चोरी भी हो गई। अब उसको समझ आया यार मैं बहुत टेंशन में रहता था, ये तो मैंने ज्यादा ध्यान दिया, उल्टा और चोरी और आग लग गई। एक महीने के बाद पता चला कोई एक वर्कर था जिसपे बहुत भरोसा करके घर की चाबियां देते थे, भाई साफ सफाई करा ले, ध्यान रख लियो, उसी ने चोरी की थी। बोले यार इस पे इतना ज्यादा विश्वास किया, यही चोर निकला। देखिए आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे मूव हो रहे हैं, हमारे विचार नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे ये फीलिंग आई पता लगा इसने चोरी की, मन किया इसका खून कर दो, ढूंढने निकल गए उसे, इधर फोन उधर फोन, रोज रात को नींद हराम, मिल जाए तो गोली मार दूं। एक दिन तलवार से मारा उसे, एक दिन गोली से मारा, तीसरे दिन उसको कुएं में गिरा के मार दिया, चौथे दिन गला ही काट दिया, कुछ कुछ तरीके से रोज मार रहे हैं उसे। अंदर से इतनी अग्नि इतनी ज्वाला इतना पागलपन बन गया कि दसवें दिन सड़क पे किसी से लड़ाई हो गई। क्यों पता नहीं, क्योंकि आप आग का गोला बन के घूम रहे हो, आप वैसा ही आग का गोला अट्रैक्ट करोगे। आप प्रेम से चलोगे, प्रेम अट्रैक्ट करोगे। आप में मान लीजिए बदबूदार कपड़े पहने हैं, खराब, नहाए धोए नहीं दस दिन से, तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिन्होंने वैसे ही बदबूदार कपड़े पहन रखे हो। रोज का नहाया धोया व्यक्ति आपसे हाथ नहीं मिलाएगा, पास नहीं आएगा। खूब उसकी लड़ाई हुई, लड़ाई होकर के सड़क पे मार खा ली। अब मार खाने के बाद विचार आया, ओहो बड़ा गलत किया यार मैंने, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे विचार शक्तियां फेंकी और मेरे से ऐसे ऐसे चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं ना दया करता हूं, भला करना चाहिए सबका। तो दया करनी शुरू कर दी व्यक्ति ने, खूब प्रेम करना शुरू कर दिया, इसकी मदद, उस पे दया, उसकी शांति, इतनी ज्यादा दया 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 बना ली। छह महीने बाद खूब सारी बीमारियां लग गई, हाथ पांव टूट गए, तकलीफें हो गई, बीवी के साथ झगड़ा हो गया, बच्चा मार के भाग गया, सारी दुनिया उस पर दया करने लगी। आप जैसे वाले हैं वैसे वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करे जा रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं, प्रोटॉन से कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन माइनस, ये कुर्सी में इलेक्ट्रॉन है, इस बोर्ड में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मुझे रोक रहा है, मैं इसके आर पार नहीं जा सकता, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस नहीं होते कभी भी। इसलिए दो व्यक्ति अगर इलेक्ट्रॉन के साथ ऑन है, तमस के साथ ऑन है, तो उनमें प्रेम नहीं हो सकता। हम बच्चे को डांट कर बताते हैं, समझाते हैं, वो तमस है, उसे कभी समझ नहीं आएगा, प्रेम से देर से जाएगा अंदर। डांट के कौन सा जल्दी दिमाग में जा रहा है, प्रेम से कभी जाएगा तो सही, प्रोटॉन टू प्रोटॉन ये रिपेल करेगा। कुर्सी पर बैठते हैं, इतना जबरदस्त इलेक्ट्रॉन पुश होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन को पुश करता है और हम उस पर बैठ जाते हैं, ये तमस है। यूएस में एक आम धारणा है सबको फरारी चाहिए, हजार लोग हैं, हजार के हजार को फरारी चाहिए, उसमें से 10-20-50 ऐसे होते हैं जो इस प्रकार सोच लेते हैं, सोचने का तरीका है वो पहले के क्लासेस में डिस्कस हुआ है, इस प्रकार सोच लेते हैं फरारी आ जाती हैं। वहीं है सारी फरारी इंडिया में आई है। इंडिया में क्या है, मुक्ति, वहां सारी रिसर्च है कैंसर ना हो, सबसे ज्यादा कैंसर है वहां। सोचिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आप किसके थ्रू सोच रहे हैं, तमस या रजस। हमारे देश में किसी को फरारी की नहीं पड़ी, सबको मुक्ति की पड़ी है, मुक्ति। अकेला देश है जहां मोक्ष के बारे में बात करते हैं, गरीब आदमी से पूछिए मुक्त होना इस जीवन से, शायद उसे अर्थ ना पता हो,
लेकिन मुक्त होना है क्योंकि वो संस्कार में, वो कॉन्शियसनेस, मास कॉन्शियसनेस, वही एक विचार सब जगह चल रहा है। एक घर में चार लोग रहते हैं, चार अलग अलग सोच होगी यदि, जैसे उदाहरण के लिए फिजिकल बॉडी बता सकती है, एक को भिंडी चाहिए, एक को तोरी चाहिए, एक को नॉनवेज खाना है, एक ने बाहर से पिज्जा मंगाना है, चार किस्म का भोजन चाहिए, चार विचार है, चार कॉन्शियसनेस है, पटरी खाएगा ही नहीं, झगड़ा ही होगा घर में। बड़ी कठिनाई से उनके बीच प्रेम पनपेगा क्योंकि सबके इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, प्रोटॉन है ही नहीं, एक जैसी राय एक जैसा विचार है ही नहीं किसी का। बच्चा पढ़ने आता है टीचर के पास, किस लिए? पास होना है, वो पास हो जाता है। दूसरा इसलिए आता है, पापा मम्मी ने भेजा है। माँ बाप बेचारे फीस दे दे के मर जाते हैं, फिर भी वो धक्के मार मार के पास होता है क्योंकि उसका वो प्रोटॉन टू प्रोटॉन कनेक्शन ही नहीं है टीचर से। उसका तमस है, उसको सजा लगती है जाना, उसका मन आग लगा रहा है, टीचर मरेगा कि नहीं मरेगा, ये मरता क्यों नहीं, माँ बाप तो चाहिए मुझे ये ना मरे, भेजा तो हालांकि उन्होंने लेकिन ये टीचर ही मर जाए, उसकी इच्छा ऐसी है। होमवर्क मैंने किया नहीं, प्रेशर, जिद, इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है, रिपेल कर रहा है, हम लगातार रिपेल कर रहे हैं चीजों को। जिस प्रकार की वाइब्रेशन अंदर से निकाल रहे हैं वैसी चीज हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम कौन सी वाइब्रेशन निकाल रहे हैं इसको बड़े ध्यान से समझिए। हमें जानना है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। आप स्वयं देखिए प्रॉब्लम है क्या। विचित्र किस्म की सोच होती है मनुष्य की। एक आदमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल खो गई, ऑफिस में गया, बड़ी देर मगजमारी करी और बोला, यार नशे में था मैं जब फाइल रखी थी, भूली गया, पता नहीं कहाँ रखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चाहिए। घंटा आधा घंटा मगजमारी करके उसे ध्यान आया भगवान नाम की चीज होती है, तो उसने बोला, हे भगवान, मैं विस्की पीना ही छोड़ दूंगा अगर आज ये फाइल मुझे मिल जाए। अचानक दराज खोली और उसमें फाइल मिल गई। बोले, अरे यही पड़ी थी भगवान, कैंसिल। एक बॉटल लेकर आओ। बोले, यही तो पड़ी थी यार, मैं बेवकूफ नहीं भगवान, नहीं एक बॉटल आज नहीं, पार्टी। आप देखिए हम अपनी वाइब्रेशन कितनी जल्दी चेंज करते हैं। थॉट देखिए मनुष्य का, ऐसे हम लगातार करते हैं, फिर कहते हैं माता रानी मेर ये वाली कर दे, वो वाली कर दे, फिर भूल जाते हैं। कितनी मन्नतें कम मांगी पता ही नहीं, फिर पता नहीं पूरी भी करनी थी, ये तो है ही, रखे नहीं ना शर्त, माता है वो तो। कई लोग फालतू माता के दरबार टाइम पास कर रहे हैं। सारा बिलीफ सिस्टम बना रखा है किस प्रकार बुद्धि कैसी भ्रमित की जाए। सारा हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कंफ्यूजन है। अगर हम केंद्रित बुद्धि से एक सार सोच सकें कि हमें अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को सेट रखना है, इसे नचाना नहीं। एक परेशान व्यक्ति होगा, उसका इलेक्ट्रॉन तमीज से नहीं चलेगा, अंधाधुंध नाचेगा, इतना अंधाधुंध नाचेगा कि प्रोटॉन डिस्टर्ब हो जाएगा। एक सहज है, ये सहज इसलिए है क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। आपने मीठा खाया, थोड़ा कड़वा खा लिया, शुगर कंट्रोल हो गई। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज की शरीर को कराई, कड़वापन है, शरीर को पीटा, ठोका, दौड़ाया, एक्सरसाइज हो गई। हमें अपने जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है जानना इस जीवन को। इस समय हम सब में जीवन है, इस जीवन को जानो। अगर इसको आप जान सकेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन ले सकेंगे, तो बुद्धि डिफरेंटली चलेगी। हम अपने जीवन में सही और गलत हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ये सही है ये गलत है। उस समय जितनी बुद्धि है, वो वाली बुद्धि हमें उस समय बताती है ये सही लग रहा है इसलिए ये सही है। छोटे बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती जीवन के प्रति, उसके शरीर पुराना चलता है, माइंड नया डाला जाता है। माइंड एक नई हार्ड डिस्क है, हर जन्म में डालते हैं, थोड़ा सा पिछला अंश होता है उसके अंदर, बाकी नई फीडिंग। थोड़ा पिछला अंश इसलिए कि आदत हो, जैसे बॉडी की मेमोरीज होती। आप अपने शायद परदादा परदादी, लक्कड़ दादा लक्कड़ दादी को नहीं जानते होंगे, पर हो सकता है आपके फेस पर नाकुनी की हो। कई बच्चों के लिए कहते हैं, पता नहीं किस पे गया, लगता है ये नान के साइड गया, किधर गया, ढूंढते हैं किसी की शक्ल, हाँ कि नानी के उस साइड वो थे, उन पे गया। बॉडी मेमोरीज लेके चल रही है, बॉडी लगातार मेमोरीज के साथ पैदा होती है और लगातार आगे तक चलती है, उसको आदतें होती हैं। पता लगा किसी जैन घर में पैदा हुआ बच्चा बड़ा मस्ती से हलाल का मीट खाता है, क्यों? कुछ समय बाद उसकी बॉडी की मेमोरी ऑन हो गई, उसने कहा नहीं मुझे तो खाना है, उस घर में कोई खाता नहीं। उसकी हार्ड डिस्क का वो हिस्सा हिलने लगा, चाहिए चाहिए। हमारी बॉडी की मेमोरीज बहुत डिफरेंट चलती हैं और दिमाग की मेमोरीज अलग। दिमाग में जितना इनपुट गया, उस इनपुट के हिसाब से हम उतनी ही इमेजिनेशन करते हैं, उतना ही सोचते हैं।
दिमाग को नई जानकारी मिलती है, पांच साल बाद सोचते हैं पांच साल पहले बेवकूफ थे या अकली नहीं थी यार, अरे पता ही नहीं था। आज के साल में सोचो कि अगले पांच साल बाद हम फिर सोचेंगे अभी भी बेवकूफ हैं, इसलिए कभी मत सोचो आज समझ आ गई, क्योंकि हर पांच साल बाद दिमाग को मौका दो ये कहने लायक बनने का, अभी और सीख सकते हैं, पहले से ज्यादा कल अब आई है क्योंकि लगातार कल आ रही है। इसलिए छोटे बच्चे को बड़ा होने दो, छोटे बच्चे को छोटेपन में बड़ा मत बनाओ, हम छोटे बच्चे को पीट पीट के अभी बड़ा बनाना चाहते हैं, समझ, ये समझ वो समझ। सबॉर्डिनेट्स को अपना बॉस होता है वो सारे टाइम कहता है ऐसे करो ऐसे, उनकी बुद्धि अलग है। छोटे बच्चे को नींद नहीं आती ना, उसको आप एक काम दे दें, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, बेटा राम का नाम लो, पांच मिनट में सो जाएगा, बोर कर देगा उसे, राम का नाम क्या लेना देना उसे, उसे टॉय खिला दो, कार्टून पिक्चर दिखा दो उसे, कोई उसे घर अकेला छोड़ दो, धमा चौकड़ी मचाने का लाइसेंस दे के, पूरी रात दिन ना सोए, उसमें इतनी एनर्जी है। जब हमारे अंदर की वाइब्रेशन, ये इलेक्ट्रॉन इतना अंधाधुंध भागता है, तो इसको स्थिर करना है थोड़ा सा, क्योंकि ये स्थिर होगा तो प्रोटॉन स्थिर होगा, अगर ये अस्थिर हो जाता है तो प्रोटॉन डिस्टर्ब होने लगता है। हमारे अंदर की जितनी पॉजिटिविटीज हैं, जितना हमारे अंदर का सत्य, अच्छाई, भलापन, जीवन जीने की उमंग, तरंग है, ये डिस्टर्ब होने लगती है जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होता है। जब ये डिस्टर्ब होता है तो इसे डिस्टर्ब करता है, और इसके डिस्टर्ब होते ही हमारा सत समाप्त होने लगता है, हमारा सहस्रारा चक्र डिस्टर्ब होने लगता है, और हम अपने जीवन से उदास होने लगते हैं। अपने जीवन से उदास होते ही हमारा सहस्रारा चक्र ऑफ हो जाता है, ये उदासी के लिए नहीं बना, हमारी विजन ब्लॉक हो जाती है, और हम सहस्रारा चक्र यानी सबसे टॉप मोस्ट ईश्वर से कनेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, और हमारे जीवन में रास्ते सुझाई नहीं देते, फिर हम खुद पे दया करते हैं। सबसे भयानक काम, वी गिव अप ऑन आवरसेल्फ्स। जैसे ही खुद पे दया करना शुरू कर देते हैं, एक दया, दूसरी दया, तीसरी दया, तीन महीने दया, छह महीने, आसपास इतनी सारी दया का एक आवरण इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे साथ अब वो सब होगा जिससे पूरा संसार हम पे दया करे। बहुत दया के अंदर जो व्यक्ति दान करता है किसी को, हाय बड़ी दया आ रही है, हाय बड़ी दया आ रही है, हाय बड़ी, उसको वो बीमारियां लग जाती हैं जो जो दया से उसने खरीद ली उस आदमी के। आप बिना भावना न्यूट्रल होके किसी को पैसे देके मदद कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी, गले लग लग के कर रहे हैं ट्रांजैक्शन हो जाएगी, बहुत दया हो रही है। इलेक्ट्रॉन हमें बचाता है, हम क्या करते हैं, दिमाग से कहते हैं बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी, बहुत प्यारी बात करते हैं, दो दिन चार दिन में ना हमारे मन में फीलिंग्स आने लगते हैं, इमोशंस आते हैं, नीचे के चक्र बाद में काम करते हैं, इमोशन आती है, मजा आ गया इनसे मिलके, क्या शानदार बात की है, प्यार ही हो गया बस। पांच छठे दिन पता लगता है ये आदमी धोखा दे रहा है, पर्स में से पैसे निकाल लेता है, दिमाग को एक क्षण लगता है, एक क्षण इलेक्ट्रॉन एक क्षण लगाता है प्रोटेक्शन में, छोड़ दो बहुत गलत है, नालायक है, लूट मारेगा, खत्म कर दो रिश्ता। इमोशंस धीरे धीरे मुड़ती हैं, नहीं अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था, नहीं ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि अब नया निर्देश मिला है, इलेक्ट्रॉन से नया निर्देश मिला है कि नहीं इस आदमी को छोड़ो, ये धोखेबाज है, लूट खाएगा। उन्हीं दो चार दिन में कन्वर्जन में इमोशन को टाइम लगता है, उस दौरान में हम ठगे भी जाते हैं। हम कब ठगे जाते हैं, जब हमारी बुद्धि में बैलेंस आउट हो जाता है, किसी से हेट कर रहे हैं पागलों की तरह हेट, क्यों, क्योंकि लव किया था पहले। अगर हम किसी को लव नहीं करते तो हम हेट नहीं कर सकते, किसी अनजान को आप हेट नहीं कर सकते, आपको पहले कोई जानकार बनाना पड़ेगा, फिर आपको उससे प्यार चाहिए या देना है या लेना है, फिर आप हेट करने योग्य बनेंगे। बिना कारण हेट कोई क्यों करेगा, कौन इमोशन वेस्ट करता है, क्योंकि दिमाग का एक सिंपल प्रोसेस है, प्यार किया पागल हो जाओ, इलेक्ट्रॉन नाच नाच के पागल हो जाता है, प्रोटॉन इतना तंग हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाता उसे, इलेक्ट्रॉन में संभालना है, प्यार किससे कर रहे हैं, प्रोटॉन से, अट्रैक्शन अच्छा लग रहा है, प्यार कर रहे हैं प्रोटॉन को, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इसने इसकी मूवमेंट रोक दी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जिंदा है हम, ये वाइब्रेशन मान लो उदाहरण 100 की स्पीड से चल रहे हैं हम, फर्स्ट क्लास जिंदगी चल रही है, अगर इसकी स्पीड 60 की हो गई तो 60 की स्पीड वाली लाइफ हो जाएगी, फिर 20 की, फिर 0 मर गए,
प्राणिक बॉडी है ना, प्राण है हम में, इसकी डिटेलिंग करते हैं अभी। ये प्राण, ये वाइब्रेशन ही खत्म, धीमी 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 गए। अब यहां इस वाइब्रेशन को मेंटेन होना जरूरी है। प्रोटॉन इतना प्यार में डूब गया है कि खींच रहा है, ये कह रहा है शांति यार तुझे तो शांत रहना, नहीं शांति नहीं रहूंगा, प्यार में दीवानापन, मजा आ रहा है, ओहो हो हो आहा हा हा, बह जाते ना। प्यार में जब भी होते हैं एग्जैजरेशन होता है। मान लो आपको एक टी शर्ट पसंद आई, कोई साड़ी पसंद आई किसी को, लेडीज की तुलनात्मक दृष्टि से बताना ज्यादा उचित होता है। बोले साड़ी पसंद आई, अच्छा सहेली से मिले या पड़ोसन से मिले, मेरी साड़ी देखिए ब्लू कलर की। बोले हाँ क्या खास है उसमें, बोले इसमें ये खास है वो खास है, ठहर मैं लिस्ट निकाल के दूं, ये देख 100 चीजें खास। एग्जैजरेशन मतलब वो अप्सरा और परी भी मात खा जाए, इतनी सुंदर साड़ी है, मतलब इट इज सो गुड, मानो नहीं मानो तो गोली मार दूंगी। एग्जैजरेशन, प्रेम इतना कमाल है, आपको प्रेम जिससे हो जाए आप उसके लिए निहाल हो जाते हैं। मेरा बच्चा मां के लिए बच्चा होता है, पति बोलता है चाय देना, भैया इस समय बिजी हूं क्योंकि मेरा बच्चा, मैं दीवानी हूं इस समय उसके साथ, मां का हृदय ऐसा। फिर बच्चे से चाहे लड़ मर रहे हैं, बच्चे के साथ शायद मारा मारी हो रही है, लेकिन मेरा बच्चा, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह डिस्टर्ब, वो कह रहा भाई पागल, फिर पिटाई हो जाती है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, फिर विरोधाभास, फिर हमें हेट करनी पड़ती है। अब हम मान लीजिए बहुत हेट कर रहे हैं, बहुत हेट में इलेक्ट्रॉन भयानक रूप से वाइब्रेट करने लगता है, इतना पागलपन हो जाता है, इतना एमिट करते हैं आप नेगेटिविटी अपने अंदर से, आपके आसपास भी नेगेटिविटी ही फ्लो होती है, आपसे मिलने वाले लड़ते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं मेरी लड़ाई होती रहती है घर में, क्यों होती रहती है? अगर उससे पूछा जाए क्योंकि देखो भाई मेरे मम्मी भी गलत है, मेरे पापा भी गलत है, मेरा भाई भी गलत है, मेरे चाचा गलत है, असल आंसर क्या है, तुम उनकी गलत चीजें अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम में नेगेटिविटी आ चुकी है, तुम चलते फिरते नेगेटिविटी के भंडार बन चुके हो। दो प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा होता है, बॉस और सबॉर्डिनेट में झगड़ा होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक में इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है, दूसरे से नेगेटिविटी निकालता है। मान लेते हैं कुशल बॉस है, बहुत समझदारी से अपने गुस्से को शांत करके, चालाकी से शांति, सद्भावना, प्रेम, डिप्लोमेसी फैला के रखता है आसपास हर समय अपने अंदर। उसके सबॉर्डिनेट उसकी शिकायत करते हैं, मारे जाते हैं, जीत नहीं पाते उसको, उससे जीतना चाहते हैं, उसके फैसलों के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, फिर नहीं जा पाते, प्रूव करना चाहते हैं रॉन्ग है, फिर नहीं हो पाता क्योंकि वो स्थिर है, उसका न्यूट्रॉन फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। खुद को स्टेबलाइज करने का तरीका, क्योंकि जीवन को जाना, जीवन को आप जितना जान जाएंगे उतना ज्यादा आप में स्टेबिलिटी होगी। भयानक रूप से भागता इलेक्ट्रॉन जबरदस्त डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, जिसके कारण से लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम मान लेते हैं एक खास परेशानी वाले व्यक्ति बन के जीवन में चल रहे हैं। अब जीवन जीने के लिए हमें जीवन को हर प्रकार से जीने योग्य बनाने के लिए धन चाहिए। धन इज द ओनली थिंग जो कन्वर्ट करता है हर चीज में, धन ईश्वर है, ईश्वर हर जगह है ना, और कन्वर्टेबल है, लकड़ी में, पत्थर में, ईंट में, सोफे में, धन हर जगह है, कन्वर्टेबल है, इंसान को भी बेचा जा सकता है। विष्णु रूप में विचारों में है ईश्वर, और लक्ष्मी रूप में कागज के नोटों में है। अब जिस एनर्जी के साथ हमने जो धन पकड़ा, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन के समय आप किस धन को कमा रहे हैं, उसे हम पाप का धन, पुण्य का धन, अच्छे का धन, बुरे का धन, हालांकि पाप पुण्य कुछ होता नहीं, लेकिन समझने समझाने के लिए, धोखा देने वाला धन, चोर का धन, जैसे आप बहुत परेशान है, हाय चोर तो नहीं ले जाएगा ये धन, उसका जाप कर रहे हैं आप पैसे हाथ में पकड़ के, हाय चोर तो नहीं ले जाएगा, हाय चोर तो नहीं ले जाएगा, या अल्लाह चोर तो नहीं ले जाएगा, चोरी ले जाएगा। आप सोच रहे हैं धन जलाने के काम आएगा, जलाना है किसी को, जलाना है, जलाना है, इससे ऐसी साड़ी खरीद के लाऊंगी मेरी ननद बेहोश हो जाएगी। पता लगा आपकी साड़ी खरीदते अगले दिन वो चोरी हो गई। अब वो डिपेंड है आपने प्रोटॉन वाली फीलिंग से किया कि इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन वाली जिता देगी प्रोटॉन वाली हरा देगी, इलेक्ट्रॉन टू मच होगा तो भी हरा देगा, खेल तो न्यूट्रॉन का है कि हम इतने शांत और सादगी भरे रहेंगे कि ननद को बेहोश होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम खुश हैं। हम हर समय कुछ करना चाहते हैं, बच्चे को ये बनाओ, घर में ऐसी चीज लाओ, ये होगा तो अच्छा होगा। अब एनर्जी फेंक के रखिए, घर में ऐसे वाला सोफा आएगा तो ही खुश होंगे हम सब, जब तक वो सोफा नहीं आएगा वाकई खुश नहीं होंगे।
मैंने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है किसी व्यक्ति के साथ, ये सत्य घटना है, मैं बहुत मोटे तौर पे बता रहा हूँ। उसने एक सोफा खरीदा बहुत प्रेम से, और वो इंडिया रहा तो सोफा साथ रखा, फॉरेन गया तो सोफा साथ रखा, मैं बाहर गया तो उससे मिला, मैंने कहा अरे ये सोफा आज भी अभी रखा हुआ है, तो मैंने नोटिस किया उस पर तरड़े पड़ रही हैं, क्रैक्स आ रही हैं, इंपोर्टेड लेदर का, इंडिया में खरीदा था, फॉरेन भी ले गया साथ, इतना प्रेम प्रेम चीजें पुरानी पुरानी। तो मैंने बोला आप बहुत दुखी है इसका मतलब। बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा आपके सोफे को पता चल रहा है, सोफा दुखी है, क्यों दुखी है ये? इसकी चमक दमक क्यों खत्म है? क्योंकि आपसे जुड़ा है ये। अगर आप दुखी हैं तो इस पे अपने आप इफेक्ट आ रहा है। ये इम्पैक्ट गाय के साथ होता है, गांव में ऐसा होता है, यदि गाय घर के अंदर बंधी है, कहीं बाहर होता है उनका बना हुआ हिस्सा, और घर का कोई मुख्य व्यक्ति या स्त्री जो उससे बड़े प्रेम करती है, चारा खिलाती है, उसको कोई बीमारी दूसरे कमरे चार कमरा दूर होगी, गाय रोने लगती है। कुत्ते को अपने आप वाइब्रेशन आती है, उसको सूंघने के थ्रू आती है, सबका अलग अलग है। औरों को काटने को दौड़ेगा, एक के पैर चाटता है, ये वाइब्रेशंस चलती हैं। तो सोफे ने वो वाइब्रेशन दिखा डाली उस व्यक्ति के पास जो थी। आपके पास किस प्रकार से धन आ रहा है उस प्रकार से ही आप एंजॉय करेंगे। आपके पास फालतू आ रहा है और अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, कुड़ा कुड़ा के आ रहा है, तो हो सकता है आप लाख रुपए महीना कमाते हो और अपना मकान जिंदगी भर ना ले सकें। आपके पास धन किस स्वरूप का आ रहा है डिपेंड करता, हो सकता है आप 10-20 हज़ार कमाते हो और घर भी बना ले। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, आपका धन यदि डॉक्टर के पास जा रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ धन आया है। डॉक्टर के पास क्यों जा रहा है भाई? ये भाई किसी को चोट लगी है, लग गई, पर हुआ क्यों? ये डॉक्टर के पास क्यों जा रहा है मेरे 100 रुपए? यानी कुछ धन गलत आ रहा है। आपने बोला था ना कि आपकी पूरी कमाई का कुछ हिस्सा तो डॉक्टर को जाएगा ही जाएगा। जाएगा, वो तो नॉर्मल सेंस में एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी जानो कि हम दुखी होकर डॉक्टर को दे रहे हैं या मस्ती में दे रहे हैं। डॉक्टर के पास आप गए, मस्ती में कैसे दे सकते? मैं बता देता हूँ। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे दिल में दर्द होता है, लगता है हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर गया, रिपोर्टें देखी, बोले कुछ नहीं है, सारा ठीक है, एक प्रॉब्लम नहीं निकली। बोले दर्द तकलीफ क्यों? बोले पता नहीं, अब जब होगा तब होगा, देखी जाएगी, अभी कुछ नहीं है, रिपोर्ट वाइज ओके है। अब वापिस आते हैं खुशी खुशी। वो डॉक्टर ने सिर्फ पैसे लिए, चढ़ावा लेके कोटा काट लिया। आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवा ली और बीमारी ठीक हो गए दवाई लेके, बहुत बढ़िया धन है। आपने एक डॉक्टर बदला, 10वां डॉक्टर बदला, एनिवर्सरी मना ली, 100 की सैकड़ा मार लिया, दवाई ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, वो धन यानी गलत आया हुआ कुछ। गलत सही कुछ नहीं होता। जो धन से आपको पीड़ा हो रही है वो बुरा धन है, जिस धन से आपको पीड़ा नहीं हो रही है वो अच्छा धन है। खुशी की बात नहीं कर रहा मैं, धन से खुशी नहीं मिलती, जो धन से खुश हो रहा है वो स्वयं को मूर्ख बना रहा है। या हम धन से दुखी होते हैं या दुखी नहीं होते हैं। हम धरती पर धन कमाने के लिए पैदा नहीं हुए, इस धरती पर हम आए हैं और धन हमारे लिए पड़ा है हमें सुख देने के लिए। अब हम कमाने के लिए दुखी हो रहे हैं तो हमारी मर्जी है, हम अपनी बुद्धि स्वयं भ्रष्ट कर सकते हैं। हमारी बुद्धि बड़े विचित्र तरीके से चलती है, बड़ी कमाल प्रोग्रामिंग होती है सॉफ्टवेयर की। एक बार एक गांव के बाहर एक फकीर रहता था, तो फकीर बड़ा ज्ञानी था, तो उस फकीर ने देखा कि ऊपर से एक काली सी छाया गांव की ओर जा रही है, तो उसने उसे रोका, बोला बता तू कौन है, मैं मंत्र द्वारा तुझे अभी भस्म कर दूंगा। बोले मैं प्लेग हूं, गांव में जाना है मुझे, महामारी के लिए भगवान ने भेजा। बोले हाँ, ईश्वर का तरीका तो है, बैलेंसिंग करता है, जब ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट होती है या कमी खराबी पाखंड आ जाता है। बोले क्या करना है तूने? बोले 1,000 लोग ओनली। बोले ठीक है जा, 3 महीने में वापिस आऊंगा, मिलता हुआ जाऊंगा। बोले जा, 3 महीने में 10,000 लोग मर गए। वापसी में आया, उसने मंत्र द्वारा प्लेग को पकड़ लिया। बोले तुझे मैं यहीं भस्म कर दूंगा, तूने कहा था 1,000 लोगों को मारना है, ये 10,000 कैसे मर गए? बोले भाई मैंने तो 1,000 को ही मारा है, बाकी 9,000 तो डर से मर गए। बोले मैंने कहा मारा है, मैंने 1,000 ही मारा है, चेक कर लो, तुम्हारे पास तो दिव्य दृष्टि है। तो बोले आप तो जानते हो ठीक कैसे हो सकते थे, बताओ कैसे हो सकते थे, क्या कर सकते थे? तो उसने बोला भाई बड़ा सादा तरीका था, मंत्र जाप करा लेते किसी पंडित से। तो प्लेग ने कहा यार मंत्र जाप, तुम फकीर आदमी, तुम सब जानते हो ये मंत्र जाप से ठीक होते लोग। बोले एक आदमी के दिमाग में डर नाम का प्लेग आ गया, जिसने प्लेग से नहीं मरना है, उसने डर से मरना है, तो उसके डर को कौन भगाएगा?
एक उम्मीद, झूठी उम्मीद हो चाहे, पंडित जी ठीक कर देंगे मुझे, मंत्र जाप कर लूंगा। बोले 2000 तो मंत्र जाप से बचे भी हैं। क्यों? उन्हें ऐसा था विश्वास, उन्होंने अपना प्रोटॉन पंडित जी से जोड़ दिया कि पंडित जी मुझे ठीक कर देंगे, या मंत्र बता दिया पंडित जी ने, उन्होंने जाप करना शुरू किया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। 108 हो गए, मैं ठीक हो गया। बार बार हम कोसते हैं बच्चे को, नलायक है, नलायक है, तू पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, तुझे अकल नहीं है। 108 बार होते ही बच्चा बदअकल हो जाता है, नलायक हो जाता है। ये क्लास हम कर चुके हैं, हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, बहुत पुरानी। आपके अंदर से क्या जाप चल रहा है, आप क्या रामायण पाठ कर रहे हैं, कौन सा भावना को एक्टिवेट कर रहे हैं, वही इंपैक्ट डालेगा आप पर। हाँ, बड़े दिनों से शायद आपने तो पहले भी बताया था, ये 8 ही क्यों है, 108 क्यों है, 108 क्यों है, 100 हो गया, 101 अगर सगन में जैसे 1 रुपया लगा के चलते हैं कि किसी कस्ती से क्या हो, वो भी एक सवाल था। लेकिन ये जो हर बारी बोलते कि एक माला जाप करो, अखबार में भी लिखा होता है, तो माला 108 ही क्यों है, ये होता है 12 नीम, 12 का साइकिल चलता है और 9 का गुणन चलता है संसार में, सृष्टि इस मैथमेटिक्स पे बनी है। 8 इसलिए होता है क्योंकि 8 चीजें होती हैं हर चीज में, 8 प्लैनेट हैं, 8 हिस्से होते हैं, टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है, नहीं टोटल 8 है, प्लूटो वगैरह तो दूसरे ग्रह माने जाते हैं, 7 बार होते हैं ना, 8वां धरती है, तो 8 होते हैं टोटल, एक सेक्शन हमारा होता है, 7 बाहर के होते हैं, लाइक दैट। आप कभी बीज को देखेंगे ना, हनी बी का कॉम्ब, जो मधुमक्खी का छत्ता बनता है, मधुमक्खी का छत्ता हेक्सागनल बनता है, 8 अष्टकोण, ऑक्टागन, हाँ ऑक्टागन, 8 कोण का, 1 to the 10th डेसिमल ऑफ अ सेंटीमीटर की एक्यूरेसी होती है उसमें। उनके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई नापने का यंत्र नहीं है, वो कुछ यहां से विजडम है, उनको चमत्कार है, कृपा है। 8 हिस्सों का बनता है वो, ऐसे ऐसे वीविंग लगातार हर जगह और एग्जैक्ट, और उनके अंदर एक शिष्टाचार होता है, क्वीन होता है ना रानी मक्खी जो अंदर होती है, जब वो जाते हैं यूं जाते हैं बीहाई अपना उसमें मधुमक्खी के छत्ते में, अंदर गए रानी के दर्शन किए, जो भी हुआ शहद बनाया बढ़ाया, और उल्टा ही वापिस आते हैं, पलट के नहीं आते, पीठ नहीं दिखानी, क्योंकि वो देवता है, वो उनको पालन पोषण करने वाला है, रानी मक्खी की वजह से वो सर्वाइव करते हैं, तो वो एक प्रकार से प्रणाम करते हैं। 8 हिस्सों में बनाते हैं हर चीज, क्योंकि 8 का ही कोण चलता है, 112 चक्र हैं हमारे शरीर में, 4 शरीर के बाहर है, 108 अंदर, 432 × 108 टाइम्स ही डिस्टेंस है धरती से इस चंद्रमा का और सूर्य से धरती का। ये 432 की क्लास में कहता हमने, अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिक्स ऑफ गॉड, 108 ही बार है हर चीज, हर चीज का मल्टीपल 108 है, हमारे भी एक्टिव चक्र 108 है, इसलिए 108 चलता है, 100 पूर्ण, 8 हिस्से एक्स्ट्रा, 100 पूर्ण, 100 इज 100 पूर्ण समाप्त, 8 इज एक्स्ट्रा, और इसी मल्टीपल में सारे डिस्टेंस, सारे उपग्रह और ग्रह इसी चक्कर में रखे हुए, धरती सूर्य और चंद्रमा तो ऐसे ही रखे, तभी जीवन है यार, एग्जैक्ट, इसलिए 108 का मन का होता है। इसलिए मैं एक शब्द के तौर पे कहता हूं कि जब इतनी बार कह डाला कोई चीज तो भगवान कहता लेकर पूर्ण, इसलिए कोसना रोना पिटना ये वाली वाइब्रेशन मत उठाओ, फालतू प्यार वाली भी नहीं, ना ज्यादा प्रोटॉन को पंगे डालने हैं, ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, दोनों को पंगे डाल के खराब। जीवन को जानो, आपकी बॉडी बाप दादे चाचे को रिमेंबर करती है और बुद्धि सिर्फ इमेजिन करती है, जितनी इंफॉर्मेशन मिली है उसी हिसाब से इमेजिन करेगी, उसी हिसाब से फैसले लेगी। इसलिए जीवन में याद रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपनी बुद्धि पे तो दया ही करो, नहीं तो घमंड आ जाएगा। सेल्फ इंप्रेस्ड होने में 1 सेकंड लगाती है बुद्धि, मैं सबसे समझदार हूं, ये 24 घंटे का काम है बुद्धि का, मुझे कोई समझाने लायक धरती पे नहीं है, ये पहला बेवकूफ बनाने का टर्म है इसका, मुझे किसी ने क्यों समझा दिया वो मेरा दुश्मन है। बच्चों का आम होता है, मुझे बताओ मत, मुझे बोलो मत, समझाओ मत, मुझे सब आता है, वो पीछा छुड़ाते हैं, माँ बाप फिर कहते हैं पीट पीट के, समझ कैसे नहीं समझेगा, समझ, फिर वो कहते हैं अभी डर लग रहा है, बड़े होने दो जरा, फिर देखना बदले, कह देना छेनू आया था। हमारी बुद्धि स्वयं हमारे को भ्रष्ट स्थिति पे ले चली जाती है।
वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने जीवन में ये दोनों तत्व कंट्रोल करना नहीं जानते। इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपेल करिए उतना व्यक्ति को जिससे आपके ऊपर या आपके द्वारा उसका अधिकार क्षेत्र डिस्टर्ब नहीं हो, और प्रोटॉन टू प्रोटॉन उतना प्रेम कीजिए कि आप बहुत ज्यादा उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ना जाने दे और आप उसके में ना चले जाए। जब भी आपके आत्मा को, आत्मा समझे आपको जो फील करती है, जब भी आपकी आत्मा को किसी कार्य को करने पे अच्छा लगे, समझो यही आपकी औकात है, इतना ही है। अगर आप पागल ही हो रहे हैं खुशी के मारे, अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। यदि आपकी आत्मा थोड़ी सी टीसी और आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना रोना पिटना, समझिए इससे ऊपर कष्ट नहीं सहना, वहीं पर रोकिए, प्रोटेक्ट कीजिए खुद को। यह आपका अधिकार क्षेत्र आप खुद बनाएंगे। हो सकता है आप गलत हो सकता है आप सही हो सकता है आपकी बुद्धि कम हो, आपकी बुद्धि ज्यादा हो, पर आपकी उस समय की बुद्धि आपको खुद की प्रोटेक्शन करना बता सकती है। आत्मा वो जान ले कि मुझे खुशी में पागल नहीं होना और इतना ही दुख सहना है कि दूसरा हमारे को बेवकूफ बना के गुलाम ना बना ले। उसी टाइम रिपेल करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आपका अधिकार क्षेत्र हर समय आप स्वयं डिफाइन करेंगे और लगातार ये बदलता है, हर व्यक्ति टू व्यक्ति आप बदलते हैं। हाँ जी सर, एक बार पहले भी हमने कहा था, एग्जांपल दिया था, जैसे हम मान लीजिए सड़क पे हैं, इससे लड़ाई जाती है, सेम यूनियन हो जाते हैं, सामने चिल्ला रहा है, हम भी चिल्लाना शुरू करते हैं, तो ऐसा क्या करें? और मान लीजिए उस सिचुएशन से उसमें हट भी नहीं सकते, हम वहां से हट भी नहीं सकते, तो ऐसा क्या करें कि हमारे न्यूरॉन्स ऑन ना हो या हम उन्हें इमीडिएटली कंट्रोल करें कि सामने वाला चिल्ला रहा है तो हम गुस्से में ना चिल्लाएं? इन्होंने बात की है मिरर न्यूरॉन्स की। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो अपने आप ऑटो ऑन हो जाते हैं। जब भी 10 लोगों को आप हंसते हुए देखेंगे कहीं कोने में, हंस रहे हैं पागलों की तरह, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, आपको मालूम नहीं, आप में से हंसी निकलनी शुरू हो जाएगी। आप 4-5 रोते हुए लोगों को देखेंगे या देखेंगे फिल्म के पर्दे पर बहुत विभत्स मारामारी का, कत्ल का, बेचारे अत्याचार का सीन चल रहा है, आपके अंदर करुणा आ जाएगी। मिरर न्यूरॉन्स, हम वो महसूस करने लगते हैं जो दूसरा महसूस करता है। अक्सर पति पत्नी का झगड़ा यही होता है, एक फूका हुआ आया, दूसरा भी तप गया, मिरर न्यूरॉन्स ऑन हो गए। अब ये मिरर न्यूरॉन कंट्रोल नहीं होते और दो लोग महादानवीर बन जाते हैं, महादयालु, महालड़ाके, महाप्रेमी, हर चीज की महा करके ऐसी की तैसी हो जाती है। महा नहीं करना, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये ऑन क्यों कैसे ना हो? मिरर न्यूरॉन्स ऑन होने का मतलब आपका अपना दिमाग आपकी आत्मा के काबू नहीं है, आपका दिमाग दूसरों के काबू है, यानी कि आपके थर्ड आई एक्टिवेटेड नहीं है। आपकी सोचने समझने की शक्ति दूसरों के द्वारा चलती है। अक्सर लोग यही महसूस करते हैं, समझ नहीं आ रहा हमें, तो पहले इसने धक्का मारा, फिर उसने, फिर इसने यूज किया, फिर वो, हम कर क्या रहे हैं जीवन में? क्योंकि थर्ड आई इस चक्र को ऑन ही नहीं किया है, इसलिए सुझा ही नहीं देता सही क्या है। भगवान हमें इसके लिए रियलाइज कीजिए, भगवान ने हमें जिंदा रखा हुआ है। रोज सुबह उठ के धन्यवाद कीजिए, हे भगवान मैं जिंदा हूं। 10 लाख लोग तो कल रात सोए थे, सुबह उठे ही नहीं, ये रोज होता है धरती पे, एवरीडे खुशी मनाइए, देखिए थर्ड आई एक्टिवेट होगी इससे। फिर सोचिए मेरे 4 भाई बहन भतीजे माँ बाप जो इंपॉर्टेंट है, ये भी जिंदा है, अरे वाह इनकी भी धड़कन चल रही है, जिंदा है भाई, एक स्माइल फेंकिए, खुशी मनाइए, आप देखेंगे आप नीचे के चक्रों से ऊपर के उठना, ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाएंगे। आप महसूस थैंकफुल नहीं होना है भगवान को, ये खास शर्त है, थैंकफुल नहीं होना है ईश्वर को, ये डिटेल अलग होगी। आपको सिर्फ प्रसन्न होना है कि आपके अंदर अब ईश्वर है, 7वें माले पर काम हो रहा है,
इधर रहता है, ऊपर वाला कहाँ रहता है, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या है ये, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं हमारा, यहाँ रहता है ऊपर वाला। अभी इसकी डिटेलिंग बताता हूँ, वो यहाँ से ऊपर कितना रहता है। फिर सोचो पैर हाथ सही चल रहे हैं, ठीक हो गया, बीमारी नहीं है, पैसे हैं जेब में, अभी रोटी चल रही है, पुलिस डंडे नहीं मार रही, किसी से लड़ाई नहीं हो रही, बहुत सुखी जीवन है, आज का दिन तो मजा आ गया, रोटी फिर भी चल रही है। अब सोचो अब कुछ भी हो जाए, कोई क्लेश नहीं करना सारा दिन, दूसरा क्लेश देगा, तश्तरी में परोस के लाएगा, आ लड़, नहीं लड़ेंगे, कोशिश करनी है, नहीं लड़ पाए कोई बात नहीं, लड़ लेना, थोड़ा सा लड़ना पड़ गया तो नहीं मन माना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना, खुद पे काबू करने की प्रैक्टिस धीरे धीरे होगी। सोचो आज बच्चे को नहीं टोकेंगे, आज रोएंगे नहीं, इतनी कमाई नहीं हुई। सोचो जब किसी को हैबिट डालनी होती है, हैबिट कैसे डलती है, जब सिगरेट छोड़ता है कोई, शराब छोड़ता है, कैसे छोड़ते हैं, बस आज से कसम है बाबे की, आज से छोड़ दी मैंने, कल से छोड़ देता हूँ, छोड़ो यार, अब तो दोस्त मिले रहे शाम को, कल से पक्का, लाइक दैट। तो क्या करना है, आपसे छूटेगी नहीं कभी, आपको छोड़ना है उसको सिर्फ एक दिन के लिए, आपको खुद को प्रैक्टिस करानी है, अपने आप से अत्याचार नहीं, क्योंकि बॉडी की मेमोरीज के आगे हम हार जाते हैं। आपको सोचना है एक दिन छोड़ना है मैंने, टेस्टिंग, दूसरे दिन एक्स्ट्रा पी लेंगे खा लेंगे नो प्रॉब्लम, पर एक दिन छोड़ के देखें, फिर अब दो दिन छोड़ के देखेंगे, फिर तीन दिन छोड़ के देखेंगे, फिर चार दिन, आप देखेंगे शरीर को अभ्यास आएगा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इकट्ठा पहले दिन नहीं कर पाते सारी, आप शरीर को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं मन को, मानसिकता को, ऐसे दिमाग को तैयार करना धीरे धीरे, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है कि अब मैंने प्रसन्न होना है। रोज सुबह ये प्रसन्नता मनाइए, अभी आप जिंदा है, आप में प्राण है, कुढ़ेंगे नहीं। आप देखेंगे आपके थर्ड आई की एक्टिवेशन के लिए आप में सबसे पहले स्माइल आ गई, प्रेम, आहा अच्छा लग रहा है, आपका माथा तना हुआ है या स्माइल है, ये आपने खुद जज करना है। जैसे ही आप सड़े कुढ़े से उठेंगे ना, सड़े कुढ़े इधर से माथे की, कहां सड़ता कुढ़ता इंसान, यहां सड़ कुड़ के देखिए, फील कीजिए, माथे पे प्रेशर आएगा, थर्ड आई सिकुड़ जाती है डर के, चुप कि मैंने नष्ट नहीं होना, सहस्रारा खराब हो जाएगा, ये बंद कर देती है ना डोरवे, आइए यहां से गेटवे खुलता है ऊपर के लिए ईश्वर तक, वो ब्लॉक कर देता है कि तो पागल है, नीचे के पांचों चक्र का पागलपन हो रहा है, नहीं भाग जाएगा शरीर को छोड़ के, भाग जाएगी आत्मा, दुखी होगी तो बहुत दुख आता है ये आदमी, तो सिकुड़ जाती है, डर जाती है। तो थर्ड आई कब ऑन होगी, जब आप लव में, आह मजा आ गया, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने का देते हम, किसी और को अच्छा लग रहा है, हमें यही क्लेश सबसे पहला होता है, इसे क्यों ज्यादा अच्छा लग रहा है, आओ इससे लड़े। एक लेडी बड़ी दुखी होती है, मान लो मेरे हस्बैंड से हमेशा लड़ाई होती है, जिस दिन हस्बैंड बड़ा खुश आए ना, आज बड़ा खुश खुश लग रहा है, पता नहीं क्यों इतना खुश हो क्या है, ऐसी की तैसी इसकी, ये नहीं कि फायदा उठाए आज खुश आया भाई, आज गप्पे मार लो मस्ती कर लो, नहीं, उसे देखा नहीं जा रहा कि ये खुश क्यों इतना, फालतू में हंस रहा है, जरूर बाहर किसी से मिलके आया होगा, आओ लड़े। तमस का बीज इलेक्ट्रॉन पागल कर देता है, इसको कंट्रोल करना है, वही एनर्जीज अपने अंदर डालनी है, वैसा ही धन बनेगा, आपका धन भी वैसा ही बनेगा। ईश्वर पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ के, ईश्वर हमारे लिए धन कहां से अरेंज कराता है, हम कहते हैं ना आज से पैसे जमा करेंगे, 18 साल का बच्चा होगा शादी करेंगे या पढ़ाई कराएंगे, ऐसा कैसे हो कि हम अभी से मैसेज दे दें और 18वें साल में पैसे आ जाएं? वाओ, 18 साल का स्यापा दिमाग खराब थर्ड आई ब्लॉक क्यों करें, मजे में जियो, 18वें साल में देखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, कितनी मजेदार बात हो जाए अगर ऐसे हो जाए। हाँ जी बोलिए। बड़ी सुंदर बात की आपने, ये धन पचाना, एक व्यक्ति रिश्वत दे रहा है, देने वाला है, एक व्यक्ति रिश्वत लेने वाला है, एक व्यक्ति पैसे छीन के लेने वाला है, एक प्रेम से देने वाला है। एग्जाम्पल, छोटा बच्चा पैसे लिए उसने, ये पैसे ले रहा है छोटा बच्चा, इस व्यक्ति ने पापा या मम्मी, उदाहरण, पैसे कैसे दिए, गुस्से से दिए, न्यूट्रल होकर दिए, प्रेम से दिए, मैं रिश्वत पे पहुंच रहा हूं, समझाने के लिए पहुंचेंगे ना,
इस आदमी ने इस बच्चे को पैसा दिया, ये बच्चा बहुत एंजॉय करता है पैसा, टॉय लाता है, खेलता है, टॉफी खाता है, मजे। जब ये बड़े होकर खुद कमाता है तो शायद एंजॉय नहीं कर पाता। अब इसको धन मिला कैसे है, उस भावना के कारण से ये एंजॉय करेगा या परेशान होगा। अब इस व्यक्ति ने इसको रिश्वत दी, रिश्वत लेने वाले व्यक्ति ने जो लेने की भावना है वो न्यूट्रल होके लिए, तो ये जैसे मर्जी दे ये पचा लेगा। बड़े मजे में लिए, आ मजा आ रहा है मजा आ रहा है, तो बर्बाद कर देगा। नेगेटिव टू नेगेटिव होकर किए तो लड़ाई हो जाएगी दोनों के अंदर, रिश्वत दे के भी काम नहीं होगा। आप लेते समय धन और देते समय धन, क्या भावना से उसको ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से वो सुख या दुख देगा। आप धन रखते हुए क्या महसूस कर रहे हैं। अब बड़ी मजेदार बात है, हर समय ऐसे कैसे हम सोचते रहे, हमें ऐसे महसूस करना है, वैसे महसूस करना है, बार बार थोड़ी ना याद आएगा। इसलिए लगातार एक स्टेज पे रहो न्यूट्रल। लेकिन सर अब जो देने वाला है, सपोज जो रिश्वत देने वाला है, वो तो हमेशा दुखी से दुखी मन से देगा, उसकी तो भावना में है, उसका काम होएगा तो वो दुखी क्यों देखेगा, दुखी क्यों देखेगा। सर दस का फायदा होता तो एक है, दुखी से कुछ लोग कस्टम्स को गाली देते हैं रिश्वत देते समय कि ये देनी पड़ेगी, लेकिन खूब गालियां देते हैं, तेरी औकात देख, तेरी शक्ल देख, क्या हैसियत है, हम लोग बोलते हैं खुद होता है काम। प्लास्टिक स्माइल कानों तक खोल कर देनी पड़ती है उनको, साथ में साथ में सामान भी देना पड़ता है। मुस्कान बनी ऐसी है ना, मुंह से कान तक वो मुस्कान, तो प्लास्टिक स्माइल होती है, इसी से मुस्कान शब्द बनाया है। काम होता है खैर। सर एक चीज और है, इसके अंदर एक बार आपने क्लास में शायद डिस्कस किया था कि कुछ लोगों के स्टार्स भी ऐसे होते हैं कि उनको रिश्वत, चोरी और ये वाले पैसे जो है बहुत फलते हैं, और उनको इसी तरीके के काम हां जी सूट करते हैं, वो किस तरीके से होता है। हम जीवन में जब जन्म लेते हैं तो हम एक कारण शरीर के साथ जन्म लेते हैं, और हमारा कारण शरीर इसलिए पैदा कराता है क्योंकि हमारे को कुछ भोगना होता है इस धरती पर। एक व्यक्ति ने मरना है चाकू खाकर, तो चाकू मारने वाला व्यक्ति भी पैदा होगा। एक व्यक्ति ने रिश्वत देनी है तो एक को लेनी भी है, उसको भी पैदा होना पड़ेगा। इसलिए रिश्वत लेकर आप पचाने लायक हो तो ये काम करेगा, तब होगा। ये दोनों कितने सेंट्रलाइज है, ये काम कब करेगा, जब ये और ये दोनों समझदार हैं, बड़ा सही तारतम्यता है इनकी, तालमेल। आप अपना ग्रेविटी लूज नहीं करते, अपना सेंटर लूज नहीं करते, अपने अधिकार क्षेत्र से नहीं हिलते, ये न्यूट्रली तब होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए धन कमाना, पचाना, खर्चना, ये सारा इसी के हवाले चलेगा। रिश्ते तक इससे चलते हैं, आपने किसको क्या सलाह कैसे दी, पीछे पड़ के दी, प्यार से दी, कि मरने दो छोड़ के कर दी, डिपेंड करता है। आपका दान किस भावना से गया, धन में वही एनर्जी चली जाती है। आपने धन में एनर्जी डाली मींस कष्ट की, जहां जाएगा वो कष्ट पर ही जाएगा। इसलिए किसी से आप धन की ट्रांजैक्शन करते हैं तो बड़ी शांति से करके नमस्ते करिए। हम नया टायर डलवाते हैं गाड़ी में और हवा डालने वाले छोटे बच्चे को कहते हैं फ्री एयर है। अब अगर उसके हृदय में फीलिंग है और वो मदर टेरेसा नहीं है कि मेरी सेवा के लिए मुझे पैसे चाहिए, अगर मदर टेरेसा है कोई बात नहीं, मैंने तो यही करना है, आई एम हैप्पी, तो कोई लेन देन नहीं हुआ। अगर उसके मन में है कि मैंने आपके टायर में हवा भरी है, मुझे कुछ दो, एक रुपया दे दो, पांच रुपया दे दो, आपने नहीं दिया तो आपको अगले जन्म में या किसी समय उसकी गाड़ी में हवा भरने के लिए पैदा होना पड़ेगा। मैं डिस्काउंट कभी नहीं लेता। याद रखिए, हम दो तरह से मन की बात चलाते हैं, एक होता है जब हम अपने मन की करते हैं, दूसरा होता है जब ईश्वर अपने मन की करता है। जब ईश्वर कुछ करता है और हमारे को अच्छा नहीं लगता, मीन्स हमारे मन का नहीं हो रहा। ईश्वर कुछ कर रहा है और हमें पसंद नहीं आ रहा, मीन्स हमारे मन का नहीं हो रहा। तो जब जीवन में ईश्वर कुछ करता है और हमसे एक्सेप्ट ना हो, तो एक्सेप्ट करने की कला सीखो। ईश्वर अल्टीमेटली अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो हमें सर्वाइवल देता है। धरती पे जन्म दिया है तो मृत्यु तक अपने हिसाब से पहुंचाएगा, उसके हिसाब से पहुंचो हमें लगता है, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि सीमित है इसलिए पता ही नहीं। भगवान एक नया रास्ता निकाल देता है, वो अपने आप अपग्रेड कर करके जब चीज देता है तब जीवन बेटर होता है। तो सर वो स्टार्स का क्या रोल रहता है उसमें, जो इस तरीके की चीज़? क्या चीज? मैंने पूछा कि एक बार हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोगों के स्टार ऐसे होते हैं जिनको रिश्वत की चीज देगी, चोरी की कमाई, या वो उल्टे सीधे काम करेंगे, कोई भी ग्रो करेंगे, मतलब अगर वो सीधा काम करते तो फंस जाते हैं, वो सीधे काम से उनको अर्निंग्स नहीं होती, हमेशा गलत रास्ते से ही। हाँ होता है, ऐसा होता है, उनको सूट करता है।
सूट करता है, पैदा हुआ ऐसे ही, कुछ को राजा बनना है, कुछ को प्रजा बनना है। पास्ट लाइफ का है, पास्ट लाइफ का है। सर जो ये रॉयल फैमिली में जन्म लेते हैं बच्चे, तो इसमें ये उनका प्रारब्ध है? जन्म से भाग्यशाली। हमारा दिमाग को हमने बाइफरकेशन दिया है पीछे, हमारा शरीर स्पेस, गगन, आकाश, हवा, एयर, पृथ्वी, भूमि, जल, वाटर, अग्नि, फायर, 72% हमारे अंदर जल तत्व है, 12% भूमि तत्व, 6% एयर, 4% फायर और बाकी सारा स्पेस। 6% नहीं, बाकी सारा स्पेस है। ये स्पेस क्या है? आकाश, आसमान नहीं, आसमान में आकाश है, आकाश हर जगह है। आकाश इज इथर, ये इथर नष्ट नहीं होता कभी भी। हमारे शरीर के बाहर भी एक एथरिक बॉडी होती है, हम एथरिक बॉडी के टॉपिक में कर चुके हैं, वो इथर है। ये गगन जो तत्व है, आकाश तत्व है, इसके पास अनलिमिटेड, मान लेते हैं उदाहरण 80% आकाश है, तो इस सब के बाद 80% प्लस हो गया। मान लो 180,000% है, तो 180,000% हो गया प्लस दिस, ये फिक्स हो गया। बाकी हमारा 100 पूर्ण जो है वो अनंत है। हमारा जो 6% बचा 100 में, वो 6% अनंत है। ये अनंत हमारा कॉस्मोस से यहां से कनेक्ट होता है आकाश। इस आकाश के पास हमारे पूरे जन्मों जन्म की रिकॉर्डिंग्स हैं। हम किस जन्म में क्या किया, हमारी प्राणिक बॉडी प्राण आकाश के थ्रू चीजों को मैनिफेस्ट करती है, बनाती है। बहुत जटिल है, मैं समझा देता हूं। आकाश बाहर की सब चीजें, हम जो सांस ले रहे हैं ना, अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है, वो हवा नहीं है, वो आकाश है। ये आकाश अनंत है और ये लगातार हमारे अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। जैसे ही आकाश तत्व को शरीर से समाप्त कर दिया जाए, हम मर जाएंगे। ये कम हो जाए, घट जाए, खराब हो जाए, नो प्रॉब्लम, इसके बिना मर जाते हैं, क्योंकि ये अनलिमिटेड है ये 6% 100 बनाने के लिए, पर ये एक्चुअली अनलिमिटेड है। हमने इसकी बात बहुत रेयर की है, ये आज छिड़ी है हमारी इस पॉइंट में। ये आकाश तत्व के पास हमारे आकाशिक रिकॉर्डिंग्स हैं। हमारे 2 DNA के स्ट्रैंड्स काम करते हैं इसके अंदर, मनुष्य शरीर में। यहां 12 है, 12 का रिकॉर्ड है। अब हम आकाश तत्व से, कॉस्मोस से, कॉन्शियसनेस के भंडार से कितना जुड़े हैं इस बचे हुए शरीर के द्वारा, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर से हमें मिल जाती है, उतना ज्यादा ज्ञान हमें आ जाता है। आप देखेंगे बहुत चीजें आपको पता है, आप सुनते हैं ना, कहते हैं अरे ये तो सोचा ही नहीं है, तो हाँ ऐसा बिल्कुल सही बात है। मींस आपका कनेक्शन आकाश से हो रहा है, ऊपर से डिक्शनरी आपकी बची हुई आ रही है और बता रही है कि ऐसे ऐसे आपका थॉट में जो है बात, वो आपको सिर्फ पता नहीं थी लेकिन वो है। आपको बस टच करते हो जरा सा कोई चीज, आपको 4 बात और समझ आ जाती है, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स है। यानी ईश्वर ने जो पूरे ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन डाल रखी है, उससे कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये 6% हिस्सा है। जो 6% नहीं रह गया, अनंत हो गया। हम यहां के थ्रू ही तो ब्रह्मांड में कहीं भी उड़ जाते हैं, अभी सूरज चंदा कुछ भी सोच लो, क्योंकि इसमें सब रहता है, स्पेस, स्पेस में ही सब कुछ है। स्पेस नहीं है तो उसमें रहेगा कहां, ये वो जगह है जहां कुछ नहीं है, लेकिन इसी में सब कुछ है। आप बहुत बड़ा ब्रह्मांड देखेंगे, गोल गोल ग्रह घूम रहे हैं, तारे, सोलर सिस्टम, पूरी मिल्की वे और गैलेक्सीज कहां घूम रही है, स्पेस में। स्पेस में क्या, कुछ नहीं है, लेकिन घूम कर रहे हैं स्पेस में, सोचिए कितना कठिन है। यानी वहां कुछ है जहां कुछ नहीं दिखता, लेकिन वहीं सब कुछ होता है, सारे ग्रह वहीं रहते हैं। ऐसा स्पेस तत्व हमारे अंदर है। हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं, कितना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, हमारी मर्जी। इस ऊर्जा के द्वारा हम अपने जीवन में प्रेम बनाए, पैसा बनाए, क्या बनाए, हमारी मर्जी। ईश्वर ने हमें क्या बना के भेजा है, 100%, और ये 100% का एक हिस्सा अनलिमिटेड, यानी पता नहीं हम कितने परसेंट है, ये ही फिक्स है, बाकी तो अनलिमिटेड है। धरती पे 72% पानी है, 12% भूमि, ऐसे ऐसे लगाइए आप, ये है हवा है पानी, अब बाकी क्या है, बाकी तो स्पेस है, एंडलेस ग्लोब हमारा अंतरिक्ष में, एंडलेस कॉस्मोस के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज शिव, शिव और शक्ति। ये टॉपिक किया हमने बहुत पहले,
अनंत है। अब भगवान ने क्या करना है, 100% जीवन देना है। हम क्या कर रहे हैं, इसे ना घटा रहे हैं। हमें अनंत शक्ति दिए, मान लीजिए आपके पास थोड़ी सी बुद्धि है और आपको एक ही झंझट है, कुछ कमाना है, कुछ बड़े होके करना है, तो बड़े होके इतनी सी बुद्धि चलेगी तो कुछ कर लोगे, ठेला खींच के कुछ कमाई लेगा आदमी, इतनी सी बुद्धि चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमाई इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट है कि आप अपने दिमाग से बने कितना। मतलब आपको भगवान ने 100% पैदा किया, अब हम कह रहे हैं अपने दिमाग की उस बुद्धि से जो हमें जितनी अकल जब है कि हमारे पास ना ये होना चाहिए तो सुखी होंगे, वो होना चाहिए तो सुखी होंगे, और उस चक्कर में हम जो अनंत है उसको घटा देते हैं और हम सोचते हैं हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दिमाग बेवकूफ उस समय सोच रहा है ये कमी है, ये पता नहीं, हमें बहुत कुछ पता ही नहीं जो पता लग सकता है। किसी व्यक्ति को सजा देनी हो तो क्या करता भगवान, पता आपको? अगर एक व्यक्ति धरती पे बहुत दुखी हो क्या कहता है, मरी जाऊं, यानी दुख नहीं है, मरने के बाद दुख से मुक्ति, तो उसको हलाल करके छोड़ दिया जाए, आधी गर्दन काट दी जाए, न मरो में न जिंदा में, 50% छोड़ दिया, लकवा मार गया किसी को, मान लेते हैं वो व्यक्ति 50% हो गया, किसी की बुद्धि भ्रमित कर दी, उसको बेवकूफ बनाया, गुलाम बनाया, उसकी बुद्धि पनपने नहीं दी, सही शिक्षा नहीं दी, गलत भड़का दिया, 50% कर दिया। हम क्या करते हैं बच्चों को बड़े होने के लिए, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मत बनाओ इंजीनियर डॉक्टर, उन्हें 100% बनाओ। हम बड़े होकर एक इंजीनियर बने हुए बच्चे या डॉक्टर बने हुए बच्चे को 60-70% कर देते हैं, उसे यह ज्ञान हटा देते हैं कि प्रेम नाम की कोई चीज है, धन से ऊपर ही सब कुछ है, धन सबसे ऊपर नहीं है, हम उसे धन से पंगु बनाकर ऐसी मानसिकता जो धन पे डिपेंडेंट है, ये करने के बाद उसे 60-70% कर देते हैं। अब वो बिना धन के हर समय बेबस महसूस करता है। अब बड़े नॉर्मल आज के विचारवादी व्यक्ति कहेंगे इस बात को सुन के, तो पैसे तो चाहिए, कौन सी गलत बात करते हैं। अब सोचिए पैसे चाहिए क्यों, पैसे अपने आप क्यों नहीं आते। ऐसी बुद्धि जिन लोगों ने प्राप्त कर ली है, आप बिलीव कीजिए उनके पास अपने आप ही आते हैं। और बहुत बार जीवन में आपके पल्ले पैसे नहीं होते, अपने आप भगवान फिर भी काम करा देता है, भगवान फिर भी कॉस्मोस से आपको पाल रहा है, वो पालेगा। ये जो हम इंजीनियर डॉक्टर या कुछ और बन के सोचते हैं ऐसा बन जाएंगे और अपनी खोपड़ी लगा लगा के स्पेस को डिस्टर्ब करते हैं, आकाशिक तत्व को, वो खराबी है। ये क्यों डिस्टर्ब होती है, कैसे होती है? हमारा ईथर डिस्टर्ब होता है जब भी धरती से ऊपर के आकाश में डिस्टर्बेंस होती है। हवाई जहाज चलते हैं ना, वो आकाश में चलते हैं, उससे ईंधन जलने से डिस्टर्बेंस होती है, आवाज, साउंड सबसे पहली चीज है, ओम, तभी ब्रह्मांड बना है, ओम से आगे ही आवाज आई तो रोशनी आई, रोशनी आई तो शक्ति आई, ब्रह्मांड बना। हवाई जहाज चलता आकाश में, आकाश डिस्टर्ब होता, हमारा इथरिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अब चल रहे हैं लेकिन कायदे से ये वाले हवाई जहाज नहीं चलने चाहिए, दे आर डिस्टर्बिंग एथरिक सिस्टम ऑफ द आकाश। जितनी कार्बन एमिशंस हो रही हैं, जितना धरती पे फॉसिल फ्यूल जल रहा है, सूर्य के द्वारा बना हुआ वो शक्ति जो सूर्य समान ताकत रखता है, फॉसिल फ्यूल इज कोल, जो सूर्य के द्वारा पड़े पड़े उसके तत्व के द्वारा कोल बन गया है, पेट्रोल, ये फॉसिल फ्यूल्स है, ये जल जल के ईथर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आकाश को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए जितना आकाश डिस्टर्ब होगा उतना हम वही ब्रीद कर रहे हैं इन आउट, और उतना हम डिस्टर्ब होंगे। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस जगह पे आप होंगे उतना ज्यादा आकाश वहां डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। तभी जितना मन की डिप्रेशन हटाना, मन को शांति लाना, प्रेम से कोई बात करने वाला ढूंढना है तो आपको कहेंगे हिल स्टेशन पे चले जाओ, वहां का आकाश तत्व ज्यादा प्योर है। आप जो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो वो आकाश है, ये आपके अंदर शांति और प्रेम लाता है। हम सारे टाइम क्या करते हैं, सारे टाइम लड़ रहे हैं, क्यों? अंदर से ही तपे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फूका हुआ है, सड़े हैं, कुड़े हैं। एक आदमी बड़ा अच्छे से खुशी खुशी घूम रहा है, घर जाता है मुंह बना के घर में, पहले बीवी को देखूंगा, अगर वो स्माइल करेगी तो करूंगा, नहीं तो नहीं। या हस्बैंड घर आता है, बीवी मुंह बना के बैठी, एग्जांपल, और फिर उसकी वजह से अपना सेट करेंगे जो करना है, और घर का आकाशीय तत्व खराब हो चुका है, क्योंकि वहीं घर के वातावरण में
लड़ाई है, कोलाहल है, नहीं है जबान की तो तपे हुए हैं। पूरा इलेक्ट्रॉन बॉडी, एक इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहा मैं, एटॉमिक बॉडी है, एक एटम कह रहा हूं मैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और अनगिनत है हमारे अंदर, और वो पूरा तपा हुआ है और वही वाइब्रेशन आकाश में चल रही है, यानी इस कमरे में, उस घर में, पूरे घर, घर में घुसते ही दिमाग खराब। कहते बाहर ठीक रहते हैं यार, घर में दिमाग बड़ा खराब होता है। फिर कहते मंदिर जाता हूं, मंदिर में चैन पड़ेगा। मंदिर में जाने वाला क्या करता है, एंटर करते 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 आकाश घर का बाकी चीजों का छोड़ देता है। मंदिर की एंट्री करते ही उफ, ये नहीं, भगवान के सामने गंदी बात नहीं सोचनी, बुरी बात नहीं सोचनी, फलाना नहीं, उसको गाली नहीं बकनी, शंकर जी के सामने बैठा हूं, भला नहीं बुरा नहीं, ये ए बी सी डी। अंदर जाते ही वो डिफरेंट आकाशीय तत्व से बैठता है, उसे वहां माहौल मिलता है वही, और वही माहौल वहां छोड़ जाता है। फिर एक दूसरा आता है, उसको वहां वैसा माहौल मिलता है, कहता है वहां जाके बड़ी शांति हुई। किसी किसी व्यक्ति के पास जाके आपको बड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि उसका आकाश सेट कर रखा है उसने। कैसे? कनेक्शन ऊपर तक, कॉस्मोस से कनेक्टिविटी। कैसे? थर्ड आई सहस्रारा। जब तक ये नहीं पकड़ेंगे कुछ नहीं बैठेगा। मनुष्य फालतू की अपनी बुद्धि से इंप्रेस होता रहता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे उदास होने लगे हैं, सुसाइड वगैरह क्यों हो रहा है, फीलिंग आ जाती है, मुझे सब पता है। ये फीलिंग बड़ी घातक है, एक्सपीरियंस नहीं लेकिन लग रहा है, पता है, गूगल है हाथ में भाई, आईफोन है, आईफोन ने जिंदगी फास्ट कर दी और खुश करना छोड़ दिया। आज से 100-200 साल के बाद चेहरे लटके हुए नजर आएंगे, क्योंकि बच्चे मुस्कुराना छोड़ देंगे, सारे टाइम सड़े हुए हैं। झूठी स्माइल, झूठी खुशी, बस ये उंगली चलती है। एलियंस के दिखाते हैं ना फिल्मों में, इतनी लंबी लंबी तीन उंगलियां, चौथी चाहिए ही नहीं, क्योंकि उंगलियां चलाते हैं हम, धीरे धीरे वही कर रहे हैं। थम्स डाउन, थम्स अप करते थे पहले, अब थम डाउन, सारे टाइम यही हो रहा है, जा रहे हैं हम उधर। हजार एक साल की बात है, वैसे बन जाएंगे हम ईटी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। सोचिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है, क्योंकि हम सारी इंफॉर्मेशन पता है ना। अब जाके क्या हुआ, सब पता है मुझे, सब जान लिया, मैं जिंदगी को समझ लिया, अरे कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, अरे सब ज्ञान है, क्या रखा, क्या एक्सपीरियंस नहीं है 1% भी, पता सब चल गया है, इन्फो। अब क्या रखा है संसार में, कुछ नहीं रखा। गीता का ज्ञान बिना एक्सपीरियंस के हो गया, सब मोह माया त्याग दो, कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ, आओ सुसाइड करें। जरा सा झगड़ा हुआ नहीं आत्महत्या, जरा सी परेशानी नहीं ड्रग्स, जरा सी दिक्कत नहीं लड़ाई जेल, गंदे संस्कार शराब सिगरेट, क्यों? इस इल्यूजन में जी रही है बुद्धि, हमें सब पता क्या है, गूगल, अभी पता लग जाएगा। कितना डेंजर है, इस आकाश को छोड़ के हम कहीं और जा रहे हैं, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, अपनी बुद्धि भ्रमित कर करके पागल हो रहे हैं। बुद्धि खराब करने के लिए क्या करते हैं लोग, एक राजा एक अपने शहर में बाहर निकला, तो वहां देखा एक बंदा पत्थर फेंक रहा है शहर के कोने पर, जो बड़ा गेट बना है। राजा ने बोला क्या हुआ भाई, तुम क्या कर रहे हो? बोले शेर चीते भगा रहा हूं। बोले क्या पागल लगता कोई शेर चीते भगा रहा है? बोले मेरा राजा शेर चीते आया था क्या कभी? बोले तो राजा तुझे क्या पता, मैंने तो पत्थर फेंका इसलिए तो आया नहीं। हम यही करते हैं, मेरी वजह से मेरा रीजन है, मैंने किया, मैंने तुम्हारा पालन पोषण, माँ बाप तक बच्चे पहचान जताते प्यार नहीं करते, मैं बोलते ना आई लव यू, अब वो दूसरे से चाहते सुनना तू भी तो बोल कुछ, बोल तो दिया तुझे आई लव यू, आई मेरा आई ब्रेन अहंकार, मैं आई लव यू, चल यू ऑल्सो लव मी। बोले यार मैंने कहा था तो यू लव मी, फालतू में यू आर लविंग मी, वाय? ये नहीं बोलते लव यू, छोटे बच्चों को हम प्यार से बोलते लव यू, आई नहीं लगाते, बड़े को अगर बोलते हैं आई लव यू, आई एहसान, लव यू में आई आ गया, काहे का लव यू है, वो तो इच्छा का लव यू है, बेवकूफ बनाना है। एक बार एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मुझे ये दर्दें हैं और सिर भारी रहता है। डॉक्टर ने कहा बस कुछ नहीं, तुम्हारे को तो एक हफ्ते की गोली देनी है मैंने, लाओ 10 रुपये। बोले लाओ जी 10 रुपये, 10 रुपये 100 रुपये जो लिए। बोले लाओ 100 रुपये, 100 रुपये लिए डॉक्टर ने, दवाई दे दी। बोले ये 14 गोली दे रहा हूँ, ये खानी है तुम्हें। तो उसने बोला डॉक्टर साहब ये चाय से लेनी है या दूध से लेनी है? बोले भाई
ले रहे हो ना दूध से, इसमें का सोचना कि बहुत लोग बैठे हैं बाहर, तुम जाओ, हो गया बस। बोला पर डॉक्टर साहब ये तो आपने क्लियर किया ही नहीं कि भाई ठंडे दूध से लेनी कि गर्म दूध से लेनी है। बोले यार किसी भी तरह के ले लो तुम, जान छुड़ाने को डॉक्टर ने कहा भाड़ में जा गुनगुने दूध से ले ले। पर डॉक्टर साहब ये कप में लेनी है या ग्लास में? बोले यार कप और ग्लास का क्या मतलब, तुम दिमाग खराब कर रहे हो। भाई डॉक्टर साहब नाराज क्यों हो रहे हो, फीस दी है, अब हम कमजोर दिल के आदमी है, बीमार है, थोड़ा पूछ रहे हो तो क्यों खून तरसा रहे हो अपना, बता दो प्लीज, पी लो जैसे तुम्हें ठीक लगे, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है ग्लास में पी लेना। ये डॉक्टर साहब गाय के दूध या भैंस का दूध? बोले उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं एक पतला पचने में आसान, अच्छा गाय का पी लेना, पर हमारे यहाँ तो बकरी है। बोले हाँ बकरी बेस्ट है, बेस्ट है, ठीक है पी लो खत्म करो। डॉक्टर साहब बोले नहीं अब कुछ नहीं पूछोगे तुम। डॉक्टर साहब पैसे दिए आपको, आपको बताया तरसे हुए बीमार आदमी, लास्ट क्वेश्चन। बोले यार दफा करो अब, इसके आगे नहीं बताऊंगा मैं। बोले डॉक्टर साहब खड़े होके पी खानी है दवाई या बैठ के? बोले तुम 100 रुपए लो अपने, जाओ दफा हो जाओ, दोबारा मत आना। चला गया, आधे घंटे में फिर आ गया। भाई डॉक्टर साहब बोले अब क्यों आए, तुम्हें तो पैसे भी दे दिए दवा भी दे दी। नहीं डॉक्टर साहब प्रश्न पे नाराज हो गए थे ना, मैं भूल गया। बोले आपने बताई नहीं काम की बात सबसे। बोले बोलो बोलो डॉक्टर साहब कौन सी गोली सुबह खानी है कौन सी शाम को, मार्किंग तो की नहीं आपने। बोले मुझे पता, तुम अगला कहोगे ये वाली गोली मंडे की थी ट्यूसडे की थी ये मार्क कर दो। डॉक्टर ने अपने पास से 10 क्वेश्चन खुद बता दिए। बोले अब तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे? डॉक्टर साहब हमारे पास तो जाने का ऑटो का किराया भी नहीं है, ये लो 100 रुपये और दफा हो जाओ, शक्ल मत दिखाना। बाहर गया वेटिंग रूम में, बीवी को बोला आओ साईं 100 रुपये कमा लाए, चले पार्टी करें, जाको काटे साईयां, बचा सके ना कोई। जिस प्रकार की बुद्धि को करनी है मनुष्य कर सकता है, जैसे बेवकूफ बनाना बना सकता है, पागलपन की लिमिट नहीं है, सारा खेल है। क्या आप इतने स्मार्ट हैं, क्या आप इतने चुस्त हैं कि आप 100% हैं? 50 नहीं बनाना बच्चे को, 60 नहीं बनाना, 70 नहीं बनाना, 100 बनाना है। आपके बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है नहीं बनाना, उससे फर्क नहीं है। आपके बच्चे को छोले बेचने हैं, सोना बेचना है, शोरूम चलाना है, उस सबसे उसका एक ही ध्येय है, पैसे कमाएगा। पर वो क्या करेगा उससे, 100% है कि नहीं, या 50% है, 60% है? बुद्धि से कितना बनाया आपने? हम छोटेपन में बच्चे को पीट पीट के आदर लेते हैं उससे, चल पैर छो कर, बच्चा वंडर करता है नाक में उंगली डाल के क्या हो रहा है। बोले मुझे समझ नहीं आ रहा ये पैर छुआ रहे हैं, क्यों छुआते हैं, मेरी कमर क्यों तोड़ाते हैं, मासूम फूल सा बच्चा बेचारा, पैर छू पैर छू, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए मेरे पास भी आते हैं, मैं कहता नहीं बच्चे नहीं छूंगे, तुम्हें छूने छू लो, नहीं नहीं बेटे से आशीर्वाद दे, मैं किसी से आशीर्वाद दूं, अभी तो वो खुद भगवान है, मेरा गुरु है। बच्चा आपका आदर नहीं करता, वो डरता है। आप में कोई गुण होगा तो बड़े होके आपका आदर करेगा। बच्चे बड़े होके पेरेंट्स को क्यों नहीं पूछते, अक्सर नहीं पूछते, क्योंकि पेरेंट्स आदर करने योग्य नहीं होते। अगर आप आदर करने योग्य हो तो आपको कराना नहीं पड़ेगा आदर, आपका कोई भी आदर करेगा, आपका प्रेम करेगा। डंडा मार के प्यार कराते हैं लोग, आई लव यू, अब यू ऑल्सो से आई लव यू, प्रेम होगा अपने आप होगा। ये है 100%। ऐसे बनो कि आपको प्रेम आदर सत्कार धन अपने आप मिले। अगर आप इस लायक हैं तो भगवान आदर देगा। हम सोचते हैं सारे टाइम हम इस लायक हैं, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने पूरे जन्म में पाप नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, पहले इतने सेल्फ इंप्रेस्ड हो, इतना कुछ तो कर रखा है, इसलिए भगवान पीट रहा है। फिर कहते हैं उसने उसका दिल दुखाया, उसने उसके साथ ये किया, उनको भगवान फिर भी दे रहा है, क्यों? इसका मतलब तुम्हारी समझदारी में पता नहीं है तुम्हें क्यों दे रहा है। भाई ये समझो, पहले भगवान के नियम और उसूल को जानो, वो उन्हें क्यों दे रहा है, वो अपना अधिकार क्षेत्र प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो 100 बने हुए हैं, इस चक्कर में पाप भी करते हैं, कर जाएंगे, नो प्रॉब्लम। पाप क्या है? दूसरे के हिसाब से, उनके हिसाब से न्यूट्रल। वो अपने आप को न्यूट्रॉन ऑन करने के लिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेट करने के लिए कुछ भी हो जाए कुछ भी करेंगे, एंड गॉड विल गिव। भाड़ में जाए और दूसरा कहता है पाप किया पुण्य किया। वो कहते हैं ना, एक हल्ला होता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गाली बकी या मारा। बोले मारा क्यों, ये कोई नहीं पूछता। बोले बकी है, मारा है, मारो इसको, गलत किया।
गलत कोई नहीं करता, गलत करवाया जाता है। किसी को शौक नहीं गलत करने का। आप जानो समझो आपके अंदर क्या कमी हुई कि ऐसा आपके मित्र ने धोखा दिया, आपने उसे मित्र बनाया क्यों? धोखेबाज को मित्रता करने का लाइसेंस आपने क्यों दिया, उस पर विश्वास क्यों किया, ये जानो समझो। आप में शांति अगर होगी, आपका न्यूट्रॉन काम करेगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेट होंगे शांत। हम जीवित होके शांत नहीं होते। महात्मा बुद्ध 10,000 अनुयायियों के साथ, अपने डिसाइपल्स के साथ वैशाली के नगर के कोने पर आकर बैठे, तो मंत्री ने बताया कि राजा को भाई भगवान आए हैं। तो राजा ने कहा, यार भगवान भगवान तो बहुत सुना है, मुझे हैरानी इस चीज की है कि राजा था प्रिंस, इसने सब कुछ त्यागा, ये क्या है यार, इसकी दुनिया मानती सुनती है क्या, इतना त्याग, इस आदमी को देखना चाहूंगा मैं, क्या है, कैसा लगता होगा। तो अपना दल बल लेकर के राजा चल पड़ा। चलते चलते पूछे मंत्री से, कहां है भाई? बस महाराज अगले पड़ाव। बोले अब बस इस वृक्ष की श्रृंखला के आगे। बोले अब बस महाराज झाड़ियों के पीछे। बोले झाड़ियों के पीछे? राजा ने तलवार निकाल ली। बोले क्या हुआ महाराज? बोले 10,000 आदमी का लश्कर है यहाँ, तू कह रहा है एक बंदा नहीं बंदे की जात, ये तो आवाज नहीं आ रही यहाँ कोई, जरूर कोई तरीका तू मुझे मरवाने लाया है। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो? बोले सुई की नोक गिरने की आवाज नहीं आ रही मुझे। बोले महाराज शांति रखिए, आपके साथ सेना है पूरी, मैं आपका वफादार हूं, मंत्री हूं, सेनापति हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। चलिए वहां पहुंचे तो 10,000 लोग शिविरों में घूम बैठ रहे हैं, आ जा रहे हैं, आवाज नहीं। बोले चमत्कार है, सोचना बड़ा मुश्किल है, ऐसा है कैसे। बुद्ध के पास ले गए वहां, राजा हैरान, उसे सारे बुद्ध लगे, जाके उसके चरणों में गिर गया। बोले ये क्या है, ये एक आवाज नहीं, हल्ला नहीं। बोले राजन तुमने शमशान में मुर्दा की शांति देखी होगी। बोले बिल्कुल देखी है, असीम शांति होती है। बोले जिंदा की शांति देखो, हमने जिंदा रहते शांत रहना सीख लिया है, जिंदा रहते हुए शांत रहना सीखना अपने आप में बोधिसत्व प्राप्त करना है, बुद्धत्व प्राप्त करना है, बुद्ध बन जाना, जीवन जीते जीते शांत होना कैसे संभव है, कितने चमत्कार की बात है। आप अपने घर अभी गए नहीं, घर की अशांति की बातें अभी से दिमाग में चल रही हैं। कल आपका बच्चा शादी के लायक बड़ा होगा 10 साल बाद, आप अभी से उसके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। दसियों बीसियों साल के बाद शायद आपकी मृत्यु होनी है या कल भी होनी है, आपको पता नहीं है, लेकिन आपने घोड़े दौड़ा रखे, शांत नहीं है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्लेश, लड़ाइयां झगड़े, क्या डिस्टर्ब हो रहा है? न्यूट्रॉन कहां सफर हो रहा है? आत्मा, थर्ड आई ब्लॉक, थर्ड आई ब्लॉक हो जाएगी बंद, नहीं वो खराब नहीं होने देगी आत्मा को। जैसे ये थर्ड आई ऑन होगी, आपका कनेक्शन अनंत स्पेस से सहस्रारा से हो जाएगा, सारे काम वो कर देगा। 10 साल बाद जो कराना है ईश्वर ने, अभी भी तो ईश्वर ने ही कराना है 10 साल बाद। 2010 में एक चीज ईश्वर ने करानी है, 2020 में उसने करानी है, 2030 में उसने करानी है, 2010 में आपने करनी है, 2020 में आपने करनी है, 2030 में आपने करनी है, या ईश्वर करेगा या आप करोगे, कोई एक करेगा ना। तो 2020 की चीज 2020 में हो जाएगी। अब बोले पागलपन है, पहले से तैयारी करो, पहले से तैयारी करो वो भी हो जाएगी। ईश्वर पे छोड़ के चलो, चरित्र ओके रखो, सहस्रारा से कनेक्ट करो, मानसिक रूप से संबल बनो, आपकी तब भी हो जाएगी। धन तो अनपढ़ों के पास भी है, समझदार तो जो जिंदगी में स्कूल नहीं गया वो भी है। हमें रूल करने वाले, हमारा देश चलाने वाले नेता जरूरी थोड़ी है कि PhD करके आएंगे। पूरे विश्व में आज ओबामा जैसा व्यक्ति जिसके घर पे छप्पर नहीं था, लेंटर ही नहीं था घर में, उसको वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल इंसान बना दिया। अब ये कोई क्या कहां से दोगे? बोले एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन जैसा बन के दिखाओ, भगवान उठा के क्या बना देगा, कनेक्ट हो के दिखाओ, इससे आपको एक्सेप्शनल सक्सेस देगा ईश्वर। तेंदुलकर बन के दिखाओ, पूरे करियर के टाइम में एक इंटरव्यू नहीं आया किसी के खिलाफ, किसी ने कुछ बोला नहीं बोला, ये जबान बंद, कोई लेना देना नहीं किसी इंटरव्यू में, कुछ नहीं, भारत रत्न दे दिया,
भगवान कहता जान ही दे दूं तेरे लिए मैं, अब पता नहीं क्या मिलेगा उसे, 40 में तो भारत रत्न मिल गया। एक्सेप्शनल पीपल बन के दिखाओ, बन सकते हो, इसको समझो, ऐसे बनो, बनोगे मिलेगा। क्या चाहिए? शांति। जीवित रहते हुए शांत होके दिखाइए, ईश्वर देगा, आपकी एनर्जीज काम करेंगी, दैट इज न्यूट्रॉन ऑन होना। आपके पास सब कुछ आएगा, कितना? जो आपके लिए आवश्यक है, आपके दिमाग वाला नहीं। दिमाग तो छलावा है, वो दिखाएगा बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए तभी जीवन में सुख आएगा। मरते टाइम तक एक आदमी इस दुख में मर गया, ये बड़े वाला कुर्सी होनी थी मेरे पास, आराम कुर्सी, उफ, और ये मौत हो गई, अगले जन्म में पेड़ बनेगा। मृत्यु के समय ये भावना रही कि बहुत बड़ी आराम कुर्सी बनना, पेड़ बनेगा। मरते समय रह गया बहुत बड़ा बंगला चाहिए, अगले जन्म में ईंट पत्थर बनेगा। इच्छाएं, इच्छाएं कौन बना रहा है? दिमाग। क्यों? औरों की वजह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्यों चाहिए? एक्चुअली क्या है, हमें शांति चाहिए ना, और जो खा रहे हैं उसमें मस्ती चाहिए। वीरेंद्र जी ने बताया उस दिन, दो रोटी खानी है, चार भगवान दे रहा है, हम फिर भी दुखी हैं। एक्चुअली दे रहा है, कैसे भी दे रहा है वो, अब लेनी नहीं आ रही तरीके से, तो हमारी गलती है, ढूंढो कहां है गलती, बाहर मत कोसो, इसे कोसना उसे कोसना विल नेवर हेल्प। स्वयं जानो, मोल समझो चीज का, फेथ लाओ। फेथ बड़ी कमाल की चीज है। दो बच्चे एक बार समुद्र किनारे घूम रहे थे, मिट्टी के घर बना रहा था वहां, कोई एक साधु मिट्टी के घर बना रहा था वहां, तो एक बच्चा दूसरे को बोला तेरे पास कितने पैसे, बोले 5 रुपए, बोले आइसक्रीम खिला दे यार, हाँ खाते हैं। चलते चलते वो मिट्टी के घर वाली जगह पहुंच गए, और बच्चे ने देखा, अरे यार कितना सुंदर घर। वो साधु ज्ञानी था, उसने बोला बेटा क्या हुआ, बोले बाबा ये घर दे दो मुझे, बोले बेटा ये मॉल में मिलेगा, फ्री नहीं मिलता। दूसरे दोस्त ने कहा पैसे मत दियो आइसक्रीम, बोले नहीं मुझे घर बहुत अच्छा लग रहा है। वो एक गत्ता लेकर आया, उठाकर उसके नीचे घर पिरोया और बोला बाबा मेरा घर मुझे दो। बोले कितने पैसे दे दूं बाबा, बोले 5 रुपए, बोले बाबा 5 ही रुपए जेब में, कमाल हो गया। और वो घर ले आया। दूसरे बच्चे ने जो गालियां बकी उस बाबे को, दोस्त को, सारे रास्ते कुड़ते मेरी आइसक्रीम, इतना तो मुंह में पानी आ गया जितना आइसक्रीम नहीं होनी थी। अब वो रोता पिटता आया, सारा दिन रात गालियां बकता रहा उसे। दूसरा बच्चा वो घर को अपने सिरहाने के पास रख के देखता रहा, यहाँ मैं खिलौने लगाऊंगा, यहाँ मेरा बेड लगेगा, यहाँ मेरे फ्रेंड्स आएंगे, और सोचते सोचते सो गया। जो दूसरा दोस्त था बिना आइसक्रीम वाला, वो रोते रोते सो गया। रोते रोते सोते सोते जब आंख लगी तो उसने देखा कि वो हवा में उड़ रहा है। उड़ते 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 आसमान पार करते करते वो भगवान के घर के पास पहुंच गया। वहां बड़ा लंबा चौड़ा शहर बना हुआ है। अब उसने देखा यार इस शहर में घर, सारे घर उसी शक्ल के जिस शक्ल का उसका दोस्त उठा के लाया था। बोलो यार मेरे दोस्त को तो भगवान की जगह के पास घर मिल गया है, और वो भी 5 रुपए में, मुझे भी चाहिए। बोला बस घूम घूम के तड़प तड़प के सारी रात जैसे तैसे बीती। सुबह उठा, उठते ही उसने 5 रुपए लिए पापा के पर्स में से। भाई पापा अपने तो पैसे उनके अपने हुए, इतना हक तो बनता है। चला गया बाबा के पास, वो घर बना रहा था। बोले बाबा मुझे घर चाहिए। बोले बेटा क्यों? बोले मुझे चाहिए बस, आपने तो बेचना, ये लो 5 रुपए। बोले नहीं अपनी 5 रुपए में नहीं मिलेगा। बोले 5 में क्यों नहीं मिलेगा, कितने का मिलेगा? बोले 5000 का। बोले ये क्या बात है? बोले बाबा 5 रुपए मेरा दोस्त लेके गया कल। बोले बेटा वो फेथ पर ले गया है, तुम तो मोल समझ के आए हो, सपना देख के तुम्हें कीमत पता चल गई है, अब तो तुम किसी भी कीमत पे लेके राजी हो। जब भोले भोलेपन से सब कुछ लेते हैं तो ईश्वर 5 रुपए में भी पूरा घर दे देता है। वो फेथ नहीं है। यदि ये फेथ आप लाते हैं तो ईश्वर आपको क्या नहीं देगा, भर भर के देगा। कनेक्ट ही नहीं करते, फेथ ही नहीं है, 100 कर देते हैं, बांट बांध देते हैं, ये अनलिमिटेड है। दिस इज अनलिमिटेड। एक नन्ही सी एक्सरसाइज करेंगे हम, जिसमें हम जानेंगे हमारे अंदर ईश्वर कहां है। आभास लेने का प्रयास करेंगे, कमर सीधी करके बैठिए, नॉर्मल सांस लेंगे, योगिक ब्रीदिंग, सांस अंदर लेंगे पेट बाहर, सांस बाहर जाएगा पेट अंदर। सिंपल ब्रीदिंग, आंखें बंद कर लीजिए।
शांत मुद्रा, रिलैक्स, बिल्कुल शांति से रिलैक्स्ड। मेरी आवाज को फॉलो करते जाइएगा। हम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे पहले 5 बार। आपके कानों में गूंज महसूस हुई होगी। अब आपकी जबान नहीं बोलेगी, आपके मन में इसको बिल्कुल जबान हिलाए, मन से बोलना है। हम पूजा करते हुए जबान से कुछ बोलते हैं, मन कुछ और कर रहा होता है। अब मन में ओम का उच्चारण करना है आपने। अब ये उच्चारण आपका मन कर रहा है और इस उच्चारण की ध्वनि को आपने अब सुनना है। आपके कान नहीं, आपकी आत्मा सुनेगी। आपकी जबान चुप है, मन ओम बोल रहा है और आत्मा सुन रही है। यदि आप अपने मन की बोली, इस ओम की वाणी को, आत्मा को एहसास के तौर पे सुना पा रहे हैं, तो आपके अंदर की एक नई शक्ति ऑन हो रही है जो आपके मन के बोली बात को सुन रही है। जबान से निकले ओम को कान सुन रहे थे, मन से निकले ओम को आत्मा सुनेगी। कुछ सुनेगा, जो भी सुनेगा, क्या सुन रहा है उसकी परवाह नहीं। उस ओम का गुंजन बिना जीभ हिलाए आपको मन में महसूस करना है, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। पूरा समय लीजिए। दीर्घ ओम आएगा, ओम के बाद साइलेंस जरूर आएगा, उस समय में गुंजायमान आपको सुनाई देना चाहिए। जब हम सब कलेक्टिव बोल रहे थे तो ओम की वाणी का बाद का हम सबको बाद तक सुनाई दिया है। जिसने इस मन की बोली बात को सुनना है वो आत्मा है। अगर वो ऑन है तो वो सुनेगी। ये तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाने से आएगा, राइट और लेफ्ट कान पर नहीं आएगा, ये माथे पर आएगा। माथे के सेंटर पर एहसास आएगा और वहीं आपको सुनाई देगा। ये सुनना कानों का सुनना नहीं है, ये कंपन है थर्ड आई का, ये कंपन है सहस्रारा से कनेक्ट होने का। ये मन को सुनना है। ओम, रिलैक्स कीजिए, हाथ रगड़कर आंखों पर लगाइए। कुछ महसूस हुआ कि आप मन के अंदर बोले ओम को सुन सकते हैं? अगर 1% हुआ है एक व्यक्ति को, तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है और एक और मन के ऊपर मन है जो उस मन की बात को सुनने की शक्ति रखता है। हम अपने मन की भी नहीं सुनते पूरी।
दूसरे की कैसे सुनेंगे, प्रैक्टिस ही नहीं है। अगर हमें चाय पीने की प्रैक्टिस नहीं है अपने घर, तो किसी दूसरे के घर कैसे पिएंगे? जब अपने मन की सुनने की प्रैक्टिस नहीं, तो दूसरे की कैसे सुनेंगे? हमारा मन का वो वाला हिस्सा हमें एक बार हर चीज के लिए रोकता या बताता है, इसे गट फीलिंग बोलते हैं। जब भी कुछ करने जा रहे होते हैं बच्चे शैतानी, तो एक बार अंदर से आवाज आती है, मत कर यार, ठीक नहीं है। इसे छठी इंद्रिय कहते हैं, जो आम भाषा में सिक्स सेंस। वो एक बार दो बार बोलती है, बस खत्म। फिर वो कहती है, ठीक है जाओ, मुझे क्या, मेरा तो इतना ही काम था। हाँ जी, इंट्यूशन सारी की सारी इसी के पास है। ये आज्ञा चक्र होता है, इंट्यूशन चक्र होता है, ये सहस्रारा पूरे स्पेस से कनेक्टेड है। ऊपर से जो आज्ञा मिलेगी वो करो। बड़े बड़े फक्कड़, बेवकूफ, बेवकूफ लोग कहे जाते हैं ना, बेवकूफ वो करोड़ों अरबपति हैं। और बड़े बड़े पैसे वाले और सक्सेसफुल लोग ज्यादा पसंद नहीं किए जाते, आम जनता पसंद नहीं करती उन्हें खास। अधिकतर तो यही कहते हैं, बेवकूफ है, गलत है, बुरा आदमी है, पर वो सफल है। कौन दे रहा उसे सफलता? ईश्वर। क्यों? कनेक्टेड है। तार कनेक्टेड है अगर स्विच से, तो स्विच दबाते ही पंखा ऑन हो जाएगा। आप कनेक्टेड है ईश्वर से, तो बात करते ही वो सुन लेगा। आप कनेक्टेड ही नहीं। अरे तो वही तो आपकी बात थी, जो पहला प्रश्न था, वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को करेक्ट करके रखते ना, अधिकार क्षेत्र पूरा ऐसी की तैसी फेरते हैं दूसरे का, अपने अधिकार क्षेत्र में ना आने देते ना जाने देते, ये तो आवश्यक है। यस, वो स्पिरिचुअली हाई ही है। आप ये मेडिटेशन शरीर को बिठा कर नहीं करते हैं, मन में करते हैं। राम का नाम जीभ नहीं लेती है, वो कभी नहीं सफल होगा। राम का नाम मन लेता है, और अगर आत्मा सुन लेती है तो राम सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा और बुरा तो कुछ होता ही नहीं। हमें जो लग गया वो अच्छा, जब हमें नहीं लगा तो उससे हम हर्ट हो गए। आपने पहली बार लाइफ में मान लेते हैं चिकन खाया, आपको थोड़ी तकलीफ हुई, दूसरी बार में स्वाद आ गया, दसवीं बार मैंने कहा यार दोबारा खिलाओ, क्या है अच्छा बुरा? जो चीज कल बुरी थी वो आज अच्छी हो गई। तो दिमाग है, जैसा बना लो वैसा अच्छा बुरा। शराबियों के बीच ना बैठो, शराब बहुत बुरी चीज है। जब शराबियों के बीच लोग बैठते हैं, कहते हैं इससे अच्छी चीज ही कोई नहीं है। देखो रूपी जी को मजा भी आ गया, मजा इतने में ही आ गया। कितना बैठेंगे तो सोचो, सहस्रारा क्या मतलब, कौन सा वाला चक्र खुल जाएगा। ये होती सत्यता। हाँ जी बोलिए। कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप फोर्स कर रहे हैं। कोशिश करना मींस प्रेशर, सहज नहीं हो रहा। कोशिश नहीं करनी कभी लाइफ में, वो काम नहीं होता। आपने जो आदेश दिया कोशिश, अब मैं इस पेन को यहां रखा है मान लीजिए, इसको उठाने की कोशिश करूंगा तो कोशिश 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 ही है। जब तक यहां हूं तब तक कोशिश है ना, ये उठा लिया तो कोशिश कर रही। तो आपने मैसेज ही दिया कोशिश करनी है, यानी पूरा नहीं होना। पर वैसे भी नहीं बढ़ना ना, कोशिश करने इसकी जरूरत पड़ी, इस लग रहा है बढ़ाना ही नहीं, आपका उतना ही काफी है। कोटा है ना, अपने आप बढ़ना होगा बढ़ जाएगा। अब आपको मजा आने लग गया करने के बाद, अब आपको पता लगा कि कर सकते हैं, अब आप कर रहे हो, पहले हो रहा था। उससे क्या फर्क पड़ता है प्रॉब्लम्स हैं या नहीं, वो अपने आप वॉश हो जाएंगी। बैक ऑफ द माइंड में अनकॉन्शियस ब्रेन है, जिसमें 25 लाख एक्टिविटीज प्रति सेकंड चल रही हैं। उसकी परवाह मत करो, कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस से चक्कर में मत डालो। वो अनकॉन्शियस में अपने आप दिमाग चला गया, कॉन्शियस बंद हो गया, सबकॉन्शियस बंद हो गया, दैट इज मेडिटेशन। ईश्वर करेगा। सर आपने एक बार पीछे कुछ टाइम पहले बोला था कि कुछ केस सेक्टर में बस इस एज लिमिट तक ही थर्ड आई एक्टिव होती है, उसके बाद नहीं होती। नहीं नहीं, हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो आगे का ब्रेन है, ये 25 साल की एज से 45 साल की एज के बीच डेवलप होता है। अगर डेवलप रखोगे आगे भी होगा,
तभी सही सोचने समझने विश्लेषण करने की अपनी बुद्धि, जो लोगों के कहे से नहीं, वो बुद्धि 20 22 25 के बाद ही डेवलप होती है। तब तक हम औरों के कहे अनुसार चलते रहते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चलता नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है। कोई इंट्यूटिव या ब्लेस्ड बच्चा उसकी पहले भी हो सकती है, पर वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये CEO है हमारा, ये डेवलप होने का एज फैक्टर लगभग 25 के आसपास है मोटे तौर पर। थर्ड आई तो बचपन से भी ऑन हो सकती है, कृपा चाहिए। आम बात है बेवकूफ लोगों की बहुत जल्दी ऑन हो जाती है, अगर सही कृपा मिल जाए, सही बंदा मिल जाए बताने वाला, तो फर्स्ट क्लास फॉलो करेंगे उसे। समझदार तो फॉलो ही नहीं करता, वो तो पहले कहता है मेरी बुद्धि को यह पता है, पहले इसे क्लियर करो, आओ लड़े। सो कॉल्ड समझदार की बुद्धि लिमिटेड होती है, उसकी बुद्धि उसे यह बताती है मुझे यह पता है, बस ये बेस्ट होता है। जो ज्ञानी होता है वो कहता है पता नहीं भाई क्या क्या पता करना रह गया होगा, अभी ये भी नहीं पता, अभी दिमाग में और नई दो इन्फॉर्मेशन आएगी और घोड़े दौड़ जाएंगे। कोई कृपा मिल गई तो पता नहीं क्या लॉटरी लग जाएगी, और कब तक मिलती रहेगी भगवान जाने, और किस जन्म में बुद्ध बनेंगे। जिस दिन हमें जान लेते हैं कि हम मैच्योर्ड नहीं हो रहे, मैच्योर्ड नहीं है, अभी तो होना बाकी है, उस दिन हम मैच्योर्ड हो जाते हैं। ठीक है जी, आज की क्लास पूर्ण करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।